Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rama Shihedelebe Yandalabana Mamantalaba. Yana Mamma Babalab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 
Welcome to all. Thank you, Holy Spirit. Welcome. Hallelujah. Riana Mantala Barakana Mashia Delebele, Riana Mashakana Mandala Balabalaba. Riana Masha Delebele, Riana Mashahana Makana Mantana Mana Mandalebele, Riana Mashikelebe, Bolubonona Mantala. Hallelujah. 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 Welcome all. Welcome all. Come on, church. Riana Mana Mamamara Mandala Bababababura Nana Mandalebele, Bella Bab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 
शेयर करें, शेयर कीजिए, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, नहीं तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान। कम ऑन चर्च, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर करना शुरू करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। वेलकम ऑल, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर, अद्भुत काम करने वाला है। कम ऑन चर्च, रेडी फॉर सुपर नेचुरल। आई बिलीव इन मिरिकल्स बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन सुपर नेचुरल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। कम ऑन चर्च, सेट टू ऑल। रिमांडला बारा नमाशिके अंठले बेले लेले बे रियाना माशिके डना मंटला बारा बारा ना मंडले बे। हालेलुया, रियाना ना मंडला बारा रारा बाला बोर कोनो ना मंटिया ना मंथले बेले लेले 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 बिरियाना ना मंडला बाला लला 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 बरियाना ना मा काना ना मंठेरा रारा बारा रारा बाला बाला लला लला बा। सबके लिए प्रार्थना की जाएगी आफ्टर मैसेज, इसलिए परमेश्वर के मैसेज को आज सब लोग आप ध्यान से सुने। थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें, शेयर कीजिए। यस, थैंक यू होली स्पिरिट। ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। महिमा के तू योग्य है। Come on church, तैयार हो जाए परमेश्वर के सुपर नेचुरल पावर के लिए। रिया मा ना ना मंडाला बा रखा ना मंडाला बा रिया ना माशी हेटे ले बिया ना ना मंडारा बाला बोरो कोनो नमा। जितने भाई और बहन ऑनलाइन हो रहे हैं, मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें कि हम आज ज्यादा से ज्यादा भाई और बहनों तक सुसमाचार को ले जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आज परमेश्वर की महिमा देख सके। हम लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की महिमा के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर कीजिए। रियान डेले बैठे ने में खेहन डेला बोर रोहनो माशी की थी लीबा। अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सब लोगों को कह दीजिए, तैयार हो जाइए परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। यदि आज आपके पास में बीमार बैठे हैं, आप बीमार को कहें आप तैयार हो जाइए अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए। यदि आज दुख में लोग बैठे हैं, आप दुखी हो, लोगों को कहिए कि आप तैयार हो जाइए परमेश्वर की आनंद को प्राप्त करने के लिए। रिया मा शेटेले बेलबा। यदि आज आपके पास दुख में लोग बैठे हैं, दुखी लोगों को कहिए आनंदित हो जाइए, परमेश्वर का वचन आपके बीच में आ रहा है। यदि आज लोग बीमार है कहें परमेश्वर की चंगाई आपके बीच में आ रही है। जिनके जीवन में शांति नहीं आप कहें शांति तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। जिनके जिंदगी में आनंद नहीं है कहें आनंद तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन चर्च, रिबाओ सियाटा लबा रियाना डबा लबा। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं।
आप जहां कहीं एक मन हो जाए आज की लाइव सर्विस के लिए हम लोग प्रार्थना करें। पिता मेरी प्रार्थना है आज जितने लोग इस लाइव सर्विस में आए हैं पिता, हर एक को तेरा आत्मा छूने पर, हर एक पर तेरा आत्मा नियंत्रण करने पाए। मेरे परमेश्वर तेरे अद्भुत अनुग्रह दया और कृपा को चाहते हैं। तू प्रेम से भरा परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू कृपालु परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है हर एक भाई और बहन जिन्होंने शेयर किया, हर एक को आप छू और स्पर्श करो, आशीषित कर हर एक भाई और बहन जो प्रभु इस वक्त ऑनलाइन होकर प्रभु तेरी सभा को देख रहे हैं, सबको छू लीजिए पिता। हर एक श्राप और बंधन टूटे, लोग आजाद हो तेरी महिमा के लिए। हर एक भाई बहन तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, रिसीव करें। रिमान ठाला बार रियंडेले बे रबो नमा खाना मान ठाला बार रियंडेले बे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम करें उसके अभिषेक से बढ़ते जाओ। वेलकम करें होली स्पिरिट का। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु मैं तेरी स्तुति आराधना महिमा तारीफ जयकार करता हूँ, तेरी स्तुति आराधना महिमा तारीफ जयकार करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद आज आप हमारे बीच में है। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूँ पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता आप हमसे बात करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, पिता आप हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी महिमा करता हूँ पिता कि आज हम तेरी अलौकिक महिमा को देखने वाले हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आज के वचन पर आपकी आशीष हो। जितने लोगों के लिए प्रार्थना करें आज आपका पवित्र आत्मा हर एक को छुए, चंगाई छुटकर आशीष उद्धार दे पिता। हर एक लोग आपको जाने, हर एक बुद्धि को अंधा करने वाली आत्मा दूर हो, हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को मैं बाइंड करता हूँ। चर्च विरोधी, प्रार्थना विरोधी, मसीह विरोधी आत्माएं यीशु के नाम दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। हमारे इस जगह पर, हमारे देश में अमन और शांति कायम हो पिता परमेश्वर। हर एक बुद्धि ज्ञान समझ सकते पवित्र आत्मा से भर। प्रभु आज हम आपकी स्तुति आराधना महिमा के लिए यहाँ एकत्रित है पिता। हर एक विरोध इन द नेम ऑफ जीसस स्टॉप हो जाए। मैं बांधता हूं हर एक डार्कनेस की पावर इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा हर एक को अभिषेक कर आग और पवित्र आत्मा से। इसे आग आपके ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आप लोग आत्मा से भर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, उसकी महिमा करें। मैं धन्यवाद करता स्वर्गीय पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबका आमीन, कम ऑन चर्च, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन लिखे, कम ऑन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस फ्राइडे सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मेरा परिवार मिलकर इस फ्राइडे सर्विस में आप लोगों के बीच में आए हैं। कल रात को शाम के समय जब मेरी वाइफ प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उनके हृदय में एक वचन को डाला है कि वो उस वचन के से आपसे लोगों से बातचीत करें। इसलिए मेरी वाइफ भी मेरे साथ में आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में आई है। इस प्रकार यहोशू की किताब 24 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज आपके और मेरे पास में एक चुनाव कि आप और मैं किसकी सेवा करेंगे। आज आपके और मेरे पास में एक चुनाव कि आप और मैं किसकी सेवा करेंगे। लेकिन यहोशू अपने सारे लोगों से एक बात कहता कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। इसलिए मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे प्रियो। इसलिए हम आपके बीच में हैं। जितने लोग अभी ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं, मेरा निवेदन है बार बार आप लोगों से, प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें। क्योंकि आज इस मैसेज के बाद में सभी के लिए ऑनलाइन प्रार्थना की जाएगी। जितने लोग उस ऑनलाइन प्रेयर में फोन के माध्यम से कनेक्ट होंगे उनके लिए प्रार्थना की जाएगी।
इसलिए जब तक मैं अनाउंसमेंट ना करूं, कॉलिंग्स के लिए प्लीज कॉलिंग्स ना करें, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन व्यस्त रहेंगे। जब मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि अब ऑनलाइन प्रेयर कॉल खुली है, प्रेयर लाइन खुली है, आप लोग कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। आप विश्वास करें, सबके लिए प्रार्थना होगी और आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह से अपने अद्भुत चंगाई, छुटकारे, आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए अपने परिवार सहित आप बैठ जाइए, क्योंकि संदेश अर्थात वचन का बीज जब आपके हृदय में जाएगा तो प्रार्थना के पानी के द्वारा फलवंत होगा। वचन का बीज यदि आपके हृदय में नहीं है तो प्रार्थना का पानी वहां पर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब वचन का बीज आपके हृदय में बोया जाता है तो प्रिय उसको विश्वास के साथ आप ग्रहण कीजिए उस बीज को, और जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी पत्नी के हृदय में एक वचन को डाला है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। थैंक यू होली स्पिरिट। जय मसीह की सबको, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहनों को मैं जय मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। पहले मैं अपनी कुछ गवाही बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में जो गवाही हुई है मैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे आज आप देख रहे हैं महामारी के बारे में सुन रहे हैं, yes. कि बाइबल में महामारी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर में उन सब में से मुझे पहले से ही अलग हटा दिया है। Amen. कैसे अलग हटाया है? जब मेरी मैरिज होने वाली थी तब मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। हालेलुया। वो परमेश्वर के आत्मा ने डाला था, परमेश्वर में छुड़ाई है। और शादी के 6 साल हो गए हैं, मैंने जॉब नहीं करी अभी तक। मैंने चुना कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। हालेलुया। अभी काफी बहनों का, नर्स लोगों का फोन आ रहा है कि हम जॉब छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महामारी के कारण वो जॉब नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस जॉब के कारण। वो मना कर रहे हैं, हमको जॉब नहीं करना, हम अलग होना चाहते, क्योंकि महामारी उनको नहीं छोड़े। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं सोचती थी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, मैंने ये सब कुछ क्यों करा है। हालेलुया। ये मेरे जीवन की टेस्टिमनी है। ये इसलिए छोड़ा था कि मैं गलत चीजों से दूर रहूं, हमारी मेरे पे टच नहीं करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अगर कोई चीज नहीं हो पा रही तो बहन भाई बहनों निराश नहीं होना, परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला Amen. है। हालेलुया। कुछ बड़ी चीज आपके जीवन yes, में होने वाली church. है, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है सारी बातें मिलके भलाई को Amen. करती Amen. है। हालेलुया। तो मैं आज 6 साल हो गए हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं। हमें परमेश्वर की सेवा आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं हो रही है। और हम लेने से देना धरने समझते हैं, हमने लिया नहीं, हमने देना ज्यादा कराए। हालेलुया। तो मैं जीवित परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 शंदरी खा ले लिया बला बरा 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 शंदरी खा ले लिया बला बरा 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 फायर 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 होली फायर होली फायर होली फायर आग आग अब तेरी आग भरने लगी। पिता परमेश्वर जितने भाई बहनी तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो अपने हृदय का खोल दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों से हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक अंधकार की युक्तियों को मैं तोड़ती हूँ, मैं फायर रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके मनों को चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तू चंगा करने परमेश्वर है, तू शिफा देने वाला परमेश्वर। हर एक डर और भय की स्पिरिट को डांट के दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके अंदर प्रेम भर दीजिए, पवित्र आत्मा जी आइए, होली स्पिरिट नियंत्रण लीजिए, स्वर्ग से लेता ऑपरेट करें पिता परमेश्वर। उनको मुंह को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू बोलने के लिए मुझे अच्छे सामर्थ्य वचन दे, ताकि तेरा वचन में अच्छे से समझा नहीं पाऊँ पिता परमेश्वर। हर एक गड़बड़ी को मैं दूर करती हूँ, हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। Welcome, जो अंधकार में बैठे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ज्योति चमक रहे, ज्योति आए पिता परमेश्वर। इसी वक्त पिता परमेश्वर स्पिरिट को मैं डांट के दूर भेजती हूँ अभी की अभी। उनके घरों में आग हो, Amen. सारा काम छोड़ के परमेश्वर पिता वो yes, तेरा वचन सुने पिता, कि जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता Amen. है। माय लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर की सेवा करता है पिता परमेश्वर, इसी वक्त पिता परमेश्वर उनको फ्री कर दीजिए Amen. फ्री कर दीजिए Amen. मनों को चंगा कर इसी वक्त में पिता परमेश्वर और सारे भाई बहनों को तेरे लहू में कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा निवेदन है कि आप सारा काम काज छोड़ के आप ये सोचिए परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, आप परमेश्वर का वचन सुनिए। हालेलुया। जब अपन परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते तो हम यीशु को छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु को हमेशा पकड़े रहना तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। मैं रोमियो 8:12 के विषय में आपको बताऊंगी, उसमें ऐसा लिखा है। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों हम शरीर के
शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया, हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है। हालेलुया, मतलब शरीर के अनुसार कैसे दिन काटे, जैसे अपन परमेश्वर ने 21 दिन अपन को दिए, वो किस लिए दिया? हमारे लिए वो गोल्डन चांस है कि हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है। आमेन। हालेलुया, शरीर के अनुसार क्या, अपन उठते सुबह सुबह ब्रश करते, अपन संसार के कामों में चले जाते हैं और सबसे आखिरी काम हम परमेश्वर को के लिए करते, आखिरी बस रात में प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया, नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया, अभी बीते दिनों कुछ बहन का फोन आया था, मैं प्रार्थना करती, मैं सब करती हूँ लेकिन फिर भी मैं प्रचार नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि पहला स्थान नहीं देने से। हालेलुया, हमारी 15 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती है, कम से कम बहन 4 से 6 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, जब हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो हम 4 से 6 घंटा आसानी से दे देते हैं मतलब संसार में, क्यों हम परमेश्वर को ये दिन नहीं दे सकते? हालेलुया, बोलूंगी कुछ ही समय बचा है परमेश्वर के आने के दिन का, तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा। और अभी परमेश्वर ने अपन को गोल्डन चांस कराए, कोई मत डिश बनाए, कोई अच्छा खाना मत बनाए, लेकिन परमेश्वर को खुश करिए। परमेश्वर को खुश करोगे तो सारी चीजें आपकी आपकी गोद में ला के रख देगा। हालेलुया, मैं बोलूंगी आप शरीर के अनुसार दिन मत काटो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो परमेश्वर के विरोध है, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, आप अपने आप को खुश कर रहे। मैं आपसे यही बोलूंगी कि शरीर के अनुसार कुछ भी काम मत करिए, परमेश्वर को खुश करिए। आप यूहन्ना 15 पढ़िए, उसमें लिखा है जो डाली मुझ में बनेगी वो फलेगी और फल लाने वाली होगी। आप ऐसा बोलेंगे मैं विश्वास करती, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती, नहीं, आपके काम प्रकट होंगे कि आप परमेश्वर विश्वास करती है कि नहीं। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया, मैं आपसे आज यही बोलूंगी कि शरीर के अनुसार दिन ना काटे परंतु आत्मा के अनुसार। आत्मा मजबूत रहेगी तो शरीर अनंत तक साथ देगा, लेकिन लेकिन अगर शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो आप लोग मरोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो परमेश्वर को आप खुश करोगे। आत्मा हमेशा खुश रहती है लेकिन शरीर हमेशा दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी में रहता है। मैं आपसे यही चाहूंगी बहन, थोड़ा सा प्रचार है मेरा, ज्यादा नहीं, क्यों टाइम की कमी होने का। मैं आपसे यही बोलूंगी बहन की शरीर के अनुसार ना दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो बहन मरोगी, मृत्यु रहेगी, अनंत जीवन नहीं रहेगा। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार दिन काटोगे, परमेश्वर आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आता है वहां स्वतंत्र है बहन। आमेन, आमेन, आमेन। भाई बहन, तो मैं आपसे यही बोलूंगी भाई बहनों कि प्लीज अपनी आत्मा को कमजोर मत करो, अपनी आत्मा को दुर्बल मत करो। परमेश्वर ने रात में मुझसे बात करी, मैं प्रार्थना करी थी, मैं रोमियो पढ़ रही थी, मैं एक बहन से बात भी कर रही थी रोमियो के बारे में है, तो वो बहन बोली मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर तू मुझे समझा, तू मुझसे बातचीत कर, तू मुझे बता कि रोमियो में क्या है। रोमियो 8:12 मुझे समझ में आया, उसमें परमेश्वर ने जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं लोग शरीर के अनुसार दिन काटते हैं वो लोग मरते हैं, शरीर के अनुसार नहीं जीना है, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन परमेश्वर के अनुसार दिन काटोगे तो जियोगे और अनंत जीवन। और परमेश्वर का आनंद अंदर से आता है। आनंद कहां से आता है? अंदर से आएगा। दिखावटी आनंद नहीं दिए, संसार में क्लेश है, आज आपके शॉपिंग मॉल बंद हो गए, अब बहुत सारे ऐशो आराम की चीजें बंद हो गई, लेकिन सारे लोग कहां आ रहे? जब दुख आया तब परमेश्वर के पास आया। मैं आपसे ये बोलूंगी हमेशा परमेश्वर के पास आओ तो आपके जीवन में दुख ही नहीं आएगा। हालेलुया, जितने लोग मेरे भाव से सहमत है आमीन करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपकी बुलाहट को खोलेगा, परमेश्वर आपकी बुलाहट को खोलेगा। आज आपकी कोई सी भी बुलाहट है बहन, अब परमेश्वर आपको खोलने जा रहा है, आप एक बड़ा प्रचारिका बन जाएंगे, आप मैन ऑफ गॉड बन जाएंगे, आप सब कुछ कर सके। परमेश्वर के लिए आप कुछ भी असंभव नहीं, परमेश्वर सबके जीवन में काम करता है, जैसे वो मुझसे प्रेम करता है, जैसे वो हमसे प्रेम वैसे परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा। हालेलुया, जैसे उसने मेरे जीवन में गवाही दी वैसे वो आपके जीवन में गवाही देगा। हालेलुया, जैसे वो आप मेरे जीवन में चमत्कार करता है वैसे वो आपके जीवन में, जैसे मैं आज मैं खुश हूँ वैसे आप भी खुश होंगे। लेकिन ये सब कब होएगा? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना मन खोल देती है, प्रार्थना लोगों का जीवन बदल देता है। हालेलुया, प्रार्थना सब कुछ करती है, बस आप विश्वास करो। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ होता है, सब कुछ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। मुर्दा परमेश्वर नहीं, हमारा जिंदा खुदा है, वो काम करने वाला खुदा है। आपने अभी एक गवाही सुनी होगी फेसबुक, वो बहन की गवाही खूब चल रही, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करा है। आप सोचिए जैसे उस बहन के जीवन में काम करा है, उसकी गवाही रिसीव करे, वैसे वो मेरे जीवन में काम करा। और कितने भी लोग महामारी में पड़े, बीमारी के बिस्तर में पड़े, हॉस्पिटल में पड़े, कैंसर में पड़े है, पिता परमेश्वर आपको हील करेगा, बस आपको विश्वास में खड़े रहना है। Ready for supernatural. परमेश्वर आपको हील करेगा। Amen. इसी वक्त आपको हील करेगा। Amen. परमेश्वर पिता आत्मा बोलता है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र, आप आजादी पाएंगे, आपके कर्ज से ब्रेक होंगे। हाँ, परमेश्वर का आत्मा ने एक और बात बोली, जब आप शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो अपने शरीर को कर्ज देते हो।
कर्जा किस कर्ज के साथ आता है, बीमारी में आता है, दुर्बलता में आता है, ये कर्ज आता है, लेकिन ये कर्ज को हमको ब्रेक करना है, जो शापों का पन को तोड़ना है, हर एक अंधकार को दूर करना है। कैसे होएगा? काम से। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, ज्यादा से लोगों से पूछेंगे मुझे कैसे बढ़ना है, जितनी ज्यादा भूख उतनी ज्यादा प्रार्थना। अगर आपको भूख लगती तो आप दो रोटी खाएंगे? नहीं, आप चार रोटी खाएंगे, और भूख लगी तो छह रोटी, और जितनी ज्यादा भूख, एक घंटा प्रार्थना, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, छह घंटा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो आप आत्मा मजबूत करेंगे। हालेलुया। इसी वचन के साथ मैं परमेश्वर के दास को ये समय देती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना समय उन्होंने मेरे लिए दिया। पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद। सारी बातों को, सारी चीजों को तेरे हाथों में मैं घटूं और आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कम ऑन चर्च से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, एक्साइटेड हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। देखा हमने एक सामर्थी वचन को यहाँ पर सुना है कि बाइबल बताती है कि हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटने हैं। हालेलुया, क्योंकि शरीर के अनुसार यदि हम दिन काटेंगे तो हम मरेंगे, लेकिन यदि हम आत्मा के अनुसार दिन काटेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो एक सामर्थ्य और सुंदर वचन के लिए, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हुआ है। हालेलुया, इसलिए तैयार हो जाए इस महान आशीषों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए। एक छोटा सा मैसेज जो सुबह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम आज मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, इसलिए आज प्रार्थना का समय ज्यादा रहने वाला है। प्रियो, इसलिए रेडी हो जाइए एक प्रभु की ओर से एक स्मॉल मैसेज को सुनने के बाद में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन व्यूअर्स, पार्टनर्स, मेंबर्स, परमेश्वर के लोगों, इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें और उनसे कहें बार बार इधर उधर न जाएं, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगा कर रखें। यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन केवल ये कि मैं प्रार्थना करा लूं और चंगाई मेरी जिंदगी में आ जाओ, यदि वचन में यदि आप बने नहीं रहेंगे तो ये चंगाई कुछ ही समय के लिए रहेगी आपके लिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। यदि आप वचन में नहीं बने हुए रहते हैं तो ये चंगाई थोड़े ही समय के लिए होगी आप लोगों के लिए। इसलिए जो लोग बस सोच रहे हैं कि बस कब मैसेज कब खत्म होगा, एक घंटे के बाद हम लोग कॉल कर लेंगे और हमारे लिए प्रार्थना हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे, हाँ आप ठीक तो होंगे लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अपने वचन को आदर दिया है, बड़े अपने वचन को महिमा दिया है। इसलिए आप लोग भी परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन की महिमा करनी है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन की महिमा करनी है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है। जितने लोग अभी ऑनलाइन है प्लीज आप शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जो सुबह मेरी नींद खुली, परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात को डाली कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को संभालती है उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे संभालेगा। प्रियो, अभी के हालात को देखकर जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, मेरे मतलब परमेश्वर ये विपत्ति से कब तो हमको छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर ये संसार में जो विपत्ति है इससे कब तू अपने लोगों का छुटकारा करेगा, प्रभु मैं तेरी दया की मांग करता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यह बात जरूरी भी है और यह बात जरूरी भी नहीं है कि तुरंत हमको उस प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। कुछ समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है, कुछ समय हम देखते हैं परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर कुछ देर के बाद देता है। प्रियो, प्रार्थना करना हमारा काम है और उसका उत्तर देना परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर ही है जो उस प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैंने रात में प्रार्थना किया, सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुली, आंखें खुलते ही पवित्र आत्मा मेरे हृदय से बात करने लगे और कहने लगे कि जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह
आप और मुझे संभालेगा। हालेलुया। आज जब आप दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी, समस्या और डर में हैं, मैं आप लोगों से परमेश्वर की गुड न्यूज को शेयर करना चाहता हूं कि आपको डरने और चिंता करने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाला है। कमोन कमोन, विश्वास करने वाले लिखे हालेलुया, विश्वास करने वाले लिखे आमीन, विश्वास करने वाले लिखे हालेलुया, विश्वास करने वाले लोग लिखे आमीन। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज आपको संभालने वाला है। भाई और बहनों, रियान डालाबाना शिकेटे अन टेलीबिया नमो शुकटो नमो ठोलो बोरो नमंदे ले 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 बे हालेलुया। तो प्रियो, जब हम सोचते हैं कि माता अपने बच्चों को संभालती, तो मेरे हृदय में मां के प्रति, मां के कैरेक्टर के प्रति कुछ बातें परमेश्वर ने डाली कि सबसे पहली बात मां की अपने बच्चे के लिए जो होती है, सब लोग मेरे साथ में सहमत हो जाइए, एक मन हो जाइए, जैसे माता अपने बच्चों को संभालती, आज प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का आत्मा आपको संभालने वाले इन द नेम ऑफ जीसस। आप चाहे जहां कहीं हो, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको संभालेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ये उनका वायदा है। तो सबसे पहला जो चरित्र मां का अपने बच्चे के लिए होता है प्रियो, वो होता है उसका प्रेम। एक मां अपने बच्चे को बहनता प्रेम करती है प्रियो, क्योंकि जिस दिन उस मां को पता चलता है कि मेरे गर्भ में परमेश्वर ने एक बच्चे की आशीष को दिया है, उसी दिन से वो उस बच्चे की केयर में लग जाती है, उसी दिन से वो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की ध्यान में लग जाती है कि मुझे क्या नहीं खाना है, मुझे क्या नहीं पीना है, मुझे क्या नहीं करना है, जिससे मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। उसी दिन से वो उस बच्चे की केयर में लगती है, वो इस बात को दिखाती है कि वो उस बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए उसकी वो केयर करती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मां और बच्चे के बीच में जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो प्रेम का होता है। प्योर बाइबल बताती है, प्रेम हर एक पापों को ढांप देता है, प्रेम हर एक गलतियों को ठीक कर देता है, प्रेम व्यवस्था को पूरी करता है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य प्रियो। प्रेम बहुत सामर्थ्य है। जिस प्रकार मां अपने बच्चे के लिए प्रेम करती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। एक मां जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, वो अपने जान की बाजी उस बच्चे के लिए लगा देती है, अपनी जान देने के लिए तैयार होती है। कई बार माएं कहती है कि मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए। ये इस बात को दिखाता है कि इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी आपसे और मुझसे प्रेम किया प्रियो, और कलवरी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जान को दे दिया। ये प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को दिखाता है प्रियो, ये परमेश्वर के महान प्रेम को दिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। ये वचन आपको मुझे बताता है भाई और बहनों कि परमेश्वर आपसे और मुझसे एक मां और बच्चे की तरह प्रेम करता है। परमेश्वर एक मां और बच्चे के समान आपसे और मुझसे प्रेम करता है। बाइबल यही बात बताती है कि जैसे माता अपने बच्चे को संभालती, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आज प्रियो, आप जहां कहीं हो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। शायद आपको ऐसा लगता, संसार में आपसे कोई प्रेम नहीं करता, संसार में आपकी कोई चिंता नहीं करता, संसार में आपके लिए कोई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप जहां कहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। रिया ना मंटाला बारिया ना माशिकेटेले बिलिया ना मंटाला बारकना ना मंडिया लबुरु कोना ना मंडेले बिलेले बिरिया री बाबा बो नो मोशी हेडेले बे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है प्रियो। आप जहां कहिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। इसी वक्त आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर रहा है प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे और मुझसे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया प्रियो। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए है प्रियो। आप जहां कहिए, परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भरेगा प्रियो। हालेलुया। जैसे माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, वैसे ही
आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। पहली बात, मां और बच्चे के रिश्ते के बीच में सबसे बड़ी जो बात होती है वो प्रेम है प्रियो। और आज परमेश्वर और आपके और परमेश्वर और मेरे रिश्ते के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो प्रेम है प्रियो, वो प्रेम है प्रियो, वो प्रेम है जो इस रिश्ते को बनाकर रखता है और रिश्ते में जो जान डालता है वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी चिंता करते हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं प्रियो तो हम उसकी चिंता करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। रियना मंठाला बाना माशी केटले बरबोनो मोशिया डले बेलीला अंडला बरकाना ना मंठाला बा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं प्रियो तो हम उसकी चिंता करते हैं। पहला पत्रस 5 उसके 7 पद को आप यदि पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो परमेश्वर आज कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दीजिए। पहला पत्रस 5:7 पद को आप यदि पढ़ते हैं तो प्रियो ये पद को आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे इस बात को कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यदि आज आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं, यदि आज आप किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, यदि आप किसी भी बात को लेकर आपके मन में चिंताएं आपको परेशान कर रही है, चिंताएं एक झाड़ी के समान आपके जीवन में आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज आप अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाल दीजिए। उसने आपको मुझे कहा है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझको संभालेगा। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो प्रियो। यही बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, उसको हर समय फिक्र लगी रहती है, हर समय अपने बच्चों की फिक्र लग रही थी। एक अच्छी और प्यारी माँ हर समय अपने बच्चों की फिक्र करती है, हर समय अपने बच्चों की चिंता करती प्रियो। वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक माँ भी अपने बच्चों की फिक्र करती है, अपने बच्चों की चिंता करती है। हालेलुया। मत्ती किताब 6वां अध्याय यदि आप उसको 20 पद के बाद ध्यान से पढ़े तो वहां लिखा है कि आपका और मेरा परमेश्वर आपकी चिंताएं करता है, आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी चिंताओं को करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। क्यों काटा भैया? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी चिंताएं करता है। वो इतना भला परमेश्वर है कि वो आपकी और मेरे लिए खाने का प्रबंध करता है। वो कहता है कि पशु पक्षियों पर ध्यान दो, न तो वो बोते न काटते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम उस पशु और पक्षियों से कहीं ज्यादा बढ़कर हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको लग रहा है कि आज मैं इस घर में हूं, शायद कल मेरे पास खाने के लिए होगा या ना होगा, पानी होगा या ना होगा, दूध होगा या ना होगा, सब्जी होगी या ना होगी, या मैं अपने भोजन को खा पाऊंगा या ना खा पाऊंगा। प्रियो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मत्ती 6 के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 20-21-22 आगे आप देखोगे वहां साफ लिखा है। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। रिया ना मंडला बाबा बाला बाबा रा बाला बकरा ना मंडले बेले ले ले बेरिया ना मंडला बरका ना ना मंडले बेले ले ले बेरिया ना नमा शिकडे ले बेले ले बेरिया ना नमा ले बेले बेले बोरो बोनो ना मंडले बे। थैंक यू होली स्पिरिट।
वहां साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंताएं करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा ख्याल रखता है। प्रियो, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। तो दूसरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि माँ अपने बच्चों से कैसे कैसे प्रेम करती। प्रियो, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह भी आपसे और मुझसे वैसे ही प्रेम करता है। दूसरी बात, माता अपने बच्चों की चिंताएं करती, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता करता है। आप जहां कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी चिंता करते हैं। आप जब अपना बोझ, अपनी अपनी प्रार्थना निवेदन और अपनी चिंताओं को जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास रखोगे, ओ प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, वो आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर देगा, वो आपको संभालेगा। वो कहता, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं ही तुझको संभालूंगा। प्रियो, जब आप अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा। हालेलुया। पहली बात हमने देखी, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आपसे और मुझसे प्रेम करता है। दूसरी बात, जिस प्रकार, थैंक यू होली स्पिरिट, जिस प्रकार माता अपने बच्चों की चिंताएं करती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आपकी और मेरी चिंता करता है। तीसरी बात जो हम लोग देखने वाले हैं, माता और बच्चे के बीच में एक अद्भुत रिलेशनशिप को, कि मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। प्रियो, एक अच्छी मां अपने बच्चों की देखभाल करती है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। माता अपने बच्चों की देखभाल करती है। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। रन्ने लेबेले ले या नमशी हे केने मेंटे लेबेले रिया नमंटा हलाबोरो वने शिकिते लेबेले 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 रममंडे लेबेले लेबे रिया नमाशा करा बाबा बाला बाबा बारा बारा नमंडे लेबेले 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 लेबे रिया नमा। प्रियो, बीच बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसके लिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बीच में फोन पर, इसलिए बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए आप लोग अपने ध्यान को यहीं लगा कर रखें कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को से प्रेम करती, यीशु हमसे प्रेम करेगा। दूसरी बात, माता अपने बच्चों की चिंता करती, यीशु मसीह हमारी चिंता करता है। तीसरी बात, जिस प्रकार माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसकी परवरिश करती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी देखभाल करेगा। वो आपकी और मेरे बारे में सोचेगा कि हमें किसी चीज की कमी तो नहीं है। जिस प्रकार माँ चाहती कि उसके बच्चे के लिए सब कुछ बेहतर 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 किया जाए, जैसे हम देखते हैं कि माँ चाहती कि उसके बच्चे के पास में अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा खाने को होना चाहिए, उसके पास एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सब कुछ सब कुछ अच्छा चाहती है। प्रियो, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे विषय में कल्पना करता है, वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। आज आपका और मेरा परमेश्वर जो आपके और मेरे बारे में सोच रहा है, वो हानि के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए, और अंत में वो आपकी और मेरी इच्छा को पूरी करने वाला है। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद हम सोच रहे हैं कि वो मेरे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई नहीं, लेकिन बाइबल बताती है जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, वैसे यीशु मसीह आपको मुझे संभालेगा। आप जहां कहीं भी हैं, मेरा परमेश्वर का आत्मा आपको संभालेगा। प्रियो, और आज आप सोच रहे हैं, शायद परमेश्वर तू मुझे भूल चुका है, शायद परमेश्वर तुझे मेरा ध्यान नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर आपके और मेरे विषय में कल्पना करता है, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की, और अंत में वो आपकी और मेरी आशा को पूरी करेगा। आज आप जहां कहीं भी हो, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं आज आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं, आप परमेश्वर की नजर में हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जहां कहीं भी हो, आप किसी भी गड्ढे में क्यों ना पड़े हो, लेकिन वो अपना वचन भेजकर आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा। आप यदि बीमारी के बिस्तर पर हो, वो आज अपना वचन भेजकर चंगा करेगा। यदि आज आप तकलीफ और समस्याओं में हैं, मेरा परमेश्वर आज आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों,
परमेश्वर के बेटे बेटियों आप तैयार हो जाइए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आप तैयार हो जाइए परमेश्वर के प्रेम को देखने के लिए, आप परमेश्वर के प्रेम को चखने के लिए तैयार हो जाइए। प्रियो सबसे पहली बात, जिस प्रकार मां अपने बच्चे से प्रेम करती है उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। दूसरी बात, जिस प्रकार माता अपने बच्चे की चिंता करती प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता करता है। तीसरी बात, जिस प्रकार मां अपने बच्चे को संभालती और अच्छी परवरिश देती है आपका और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे संभालेगा। हालेलुया। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। ये चौथी बात क्या हो सकती है, क्या गुण होता है चौथी बात एक विशेष एक मां के पास में? चौथी बात, मां अपने बच्चे की आवाज को सुनती है और पहचानती है। मां अपने बच्चे की आवाज को पहचानती है और सुनती है। चौथी सबसे अच्छी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। आज हजारों की भीड़ में भी यदि कोई बच्चा रोता है तो उसकी मां समझ जाती कि ये मेरा बच्चा है। हजारों की भीड़ में आप क्यों ना हो, जब आप पुकारोगे आपकी मां समझ जाएगी कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। चौथी विशेष गुण मां और बच्चे के रिलेशनशिप में होता है वो ये होता है कि मां अपने बच्चे की आवाज को पहचानती है, मां अपने बच्चे की आवाज सुनती है। उसी प्रकार आज आप दुनिया की भीड़ में कहीं भी क्यों ना हो, जब आप अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनता है, क्योंकि उसने वायदा किया है। प्रियो उसका वायदा वचन संहिता 91 में कि जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुन लूंगा, संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको बचाकर अपनी महिमा को बढ़ाऊंगा। यदि आपको लगता है प्रियो कि परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता ही नहीं पहचानता भी है। परमेश्वर आपकी आवाज को पहचानता है, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। जिस प्रकार हमारे बायोलॉजिकल संसारिक मां और बाप आपकी आवाज को पहचानते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं, उसी प्रकार आपका और मेरा परमेश्वर भी आपकी और मेरी आवाज को सुनता है और पहचानता है। चाहे हजारों की भीड़ क्यों ना हो, चाहे आज आप लाखों की भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन जब आप पुकारोगे परमेश्वर आपकी आवाज को सुन लेगा। प्रिय एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि अब्राहम ने अपनी दासी हाजिरा को उसके बच्चे इस्माइल के साथ अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया। हाजिरा के पास में एक पानी की चमड़े की थैली थी और कुछ खाना था। प्रियो चलते चलते उस चमड़े की थैली का पानी समाप्त हो गया और बच्चा प्यास से व्याकुल होकर बहुत रोने लगा। बच्चा प्यास से व्याकुल होकर बहुत रोने लगा। भाई और बहनों, हाजिरा बहुत रोई और गिड़गिड़ाई और कहने लगी कि मुझे ये प्यास में मरते बच्चे को देखना ना पड़े। एक मां कैसे अपने मरते हुए बच्चे को देख सकती है? कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। एक मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में पाला है, उसके बाद पैदा होने के बाद उसने अपने छाती से लगाकर उसको दूध पिलाया है, उसको निलाया दुलाया, उसकी परवरिश की है, अब वो समय आ गया है कि प्यास के मारे उसका बच्चा मरने वाला है। अरब के रेगिस्तान में जहां तपती रेत, सिर छुपाने को जगह नहीं, पानी के एक बूंद की भी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां हाजिरा परमेश्वर को पुकारती और रोती है और अपने बच्चे को नीचे रखती है। और आप थोड़ी दूर पर जाकर अपने मुंह को फेर लेती कि कहीं मुझे
बच्चे की मृत्यु न देखना पड़े। आप सोच सकते हो, आप और मैं जब इस वचन को पढ़ते हैं, हम पढ़कर उसे निकल जाते हैं कि हाँ हाजिरा ने बच्चा रख दिया, हाजिरा पीछे पलट करेगी, हमारे अंदर फीलिंग नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, एक एक वचन के अंदर जान है, फीलिंग है। परमेश्वर के वचन के अंदर जान और फीलिंग है। जब आप उसको पढ़ें, आप उसको फील करें, उसको महसूस करें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को आप महसूस करना शुरू करें, आप अपने आप को उस परिस्थिति में लेकर जाएं, आप अपने आप को उस परिस्थिति में देखें, तब आप परमेश्वर के सही अर्थ, वचन के अर्थ को समझ पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को एक नॉवेल और एक किताब के रूप में पढ़ेंगे प्रियो, वो कभी भी हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। लेकिन जिस पल हम परमेश्वर के वचन को जीवित समझकर पढ़ेंगे कि हाँ ये जिंदा है, वो जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी में आ जाएगी, वो जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी में आ जाएगी। प्रियो, यहां पर उत्पत्ति किताब में मैं हाजिरा और इस्माइल के प्रेम के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। इस्माइल जो कि छोटा बच्चा है, वो प्यास से बिलख रहा है, रो रहा है, हाजिरा के पास पानी नहीं है, वो रोती है और बच्चे को सामने रखती और ये कहती है कि मुझे बच्चे को अपनी आंखों से मरता हुआ ना देखना पड़े। इसलिए उसने बच्चे के साथ पीछे पीठ कर ली और आगे बढ़ गई, और बस आगे बढ़ के एक जगह पर रुक गई और अपने कान उस बच्चे की आवाज पर लगाए, आंखें नहीं लगाई कि मरता हुआ ना देखना पड़े। बस वो इस बात को सुनती रही कि अब ये बच्चा मर जाएगा, और हाजिरा बहुत रोने लगी। प्रियो, ये एक हृदय को हिलाने वाली स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, हृदय को शेक करने वाली स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं मैं, कि ये स्टोरी आपको हिलाएगी। प्रियो, ये आपको व्याकुल करने वाली है, आपको आपको ओ जीसस रमन टेला लिबा रियान डी कन मन डिया न मुशी हे डिलेबे रिबोस्टी एंड टेरेबो नमान खन मन डिलेबे रियाम बंडेले रबा नमान डेला बा रिया कन मा चीएरे रिबो लबा निमें केने मेन डेलबो। प्रियो, तैयार करें अपने आप को, रिबा टिका टियान टेला बा रबा नमान डिलेबे उत्पत्ति 21 अध्याय, कम ऑन चर्च, आप जहां कहीं हो उत्पत्ति 21 अध्याय खोलिए, उसके 15 पद से आप देखिए क्या लिखा है, 15, 16, 17 हालेलुया, और 18 पद। उत्पत्ति 21 अध्याय 15 से 18 पद देखिए वहां क्या लिखा है। जब थैली का जल खत्म हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। जब हाजिरा की थैली का जल खत्म हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर, मतलब थोड़ी दूर जाकर, उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। उसने पीठ कर लिया कि मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। कमन चर्च, में आप लोगों से बात कर रहा हूं, एक मां के बहुमूल्य और अतुल्य प्रेम को मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं, कि जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, उससे कहीं हजार गुना ज्यादा आपका और मेरा परमेश्वर आप जब मुझसे प्रेम करता है, आपकी और मेरी चिंता करता है, आपकी और मेरी आवाज को सुनता है। जो अगली बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर आपकी और मेरी आवाज को सुनता भी है और पहचानता भी है। वो आप उससे तीर भर के टप्पे पर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु न देखनी पड़े।
तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। प्रियो, जब एक माँ, जब उससे कुछ नहीं बनता, जब वो कुछ भी नहीं कर सकती है, तो उसके पास आखिरी सहारा बचता है कि वो रोकर और चिल्लाकर परमेश्वर को पुकारे। आप उस बात को सोचकर देखिए कि उसका एक लौता बच्चा उसके सामने मर रहा है और वो मां इतनी असहाय है कि वो अपने बच्चे को पानी भी नहीं दे सकती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं है। बस एक बात बची है कि बस ये पानी के प्यास के कारण थोड़ी ही देर में बच्चा मर जाएगा। बस एक ही इंतजार में बैठी है। क्या आप भी भूख के मारे मर रहे हैं? क्या आज आप प्यास के मारे मर रहे हैं? क्या आज आप बीमारी में मर रहे हैं? क्या आज आप समस्या में मर रहे हैं? क्या आज परिस्थितियां आपको मार रही है? आप जहां कहीं भी हो, वेयर आर यू, तुम कहां हो? आप जहां कहीं भी हो, तुम कहीं भी हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, स्टोरी को बड़ी ध्यान से सुनिए। उसके सामने बैठी हुई हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। प्रियो, आगे खुदा का कलाम क्या कहता है? जब हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, तब प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रियो, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। रियान ठेलेबे, उत्पत्ति 21 उसके 17 पद को देखिए। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, ओ रियान ठलबा, मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को महसूस करता हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ को अभी इसी वक्त महसूस कर रहा हूं जब मैं इस पद को पढ़ रहा हूं कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मेरी आवाज को सुनता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी जब वो बच्चा उस बालू में रेगिस्तान में पानी के लिए रो रहा था। बच्चा केवल रो सकता है, वो बोल नहीं पाता है। प्रियो, जो छोटा बच्चा होता है, जो गोद में रखा हुआ बच्चा होता है प्रियो, वो बोलता नहीं है, वो रोता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने भी लोग रो रहे हैं, आज आप बीमारी में रो रहे होंगे, आज आप झगड़े को लेकर रो रहे हैं, कई सारी बहन अपने पति के गलत व्यवहार, पति पत्नी के झगड़ों के कारण रो रहे हैं, कई परिवार आज कर्ज में रो रहे हैं, कई परिवार आज बीमारी में रो रहे हैं, कई परिवार आज समस्या में रो रहे हैं। आप यदि आज रो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज को रोने को सुना है, आप सोचते हैं मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, मैं तो रो रहा हूं, यदि आज आप रो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ओ परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। बाइबल बताती है भजन संहिता में, पर टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। प्रियो, परमेश्वर कभी भी टूटे हुए वाले मन को तुच्छ नहीं समझता। यदि आज आपका मन टूटा हुआ है, यदि आज आप रो रहे हैं, यदि आज आप रो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि रोए हैं, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। शायद पत्नी की आवाज, रोती हुई पत्नी की आवाज पति नहीं सुन पाए, रोती हुई बहू की आवाज सास न सुन पाए, रोते हुए मां बाप की आवाज बच्चे न सुन पाए, रोते हुए एम्प्लॉय की आवाज बॉस या मालिक न सुन पाए। आप डरिए मत, रोते व्यक्ति की आवाज डॉक्टर न सुन पाए। आप डरिए और परेशान मत होइए, आप जहां हैं, मेरा परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज सुन रहा है। कम ऑन चर्च, परमेश्वर से आपकी आवाज सुन रहा है। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है, सुनिए सुनिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का स्वर्ग दूत हाजिरा से कह रहा है, जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। कम ऑन, चिल्लाकर हालेलुया कहें,
जहां वो लड़का है वहां से परमेश्वर की परमेश्वर को इसकी आवाज सुनाई पड़ी है। हो जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन ली है। आज आप जहां कहीं भी रो रहे हैं, आज आप जहां कहीं भी रो रहे हैं, आज जहां कहीं भी आप दुख में हैं, जहां कहीं आप तकलीफ में हैं, जहां कहीं आप बीमारी में हैं, वहीं से मेरा परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी आवाज सुनता है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपकी आवाज पहचानता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं, मेरा परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है। आज आपकी आवाज को सुन रहा है। आज आपकी आवाज को सुन रहा है। आप जहां कहीं हैं, आज आपकी आवाज को वो सुन रहा है। हालेलुया। आज वो आपकी आवाज को सुन रहा है। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। दूत ने स्वर से पुकार कर कहा, हाजिरा तुझे क्या हुआ है मत डर। मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम्हें क्या हुआ है मत डरो। परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। तुम्हें क्या हुआ है मत डरो। 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 जहां आप हैं वहीं से आपकी आवाज परमेश्वर ने स्वर्ग में सुन ली है। वहीं से आपकी आवाज परमेश्वर ने स्वर्ग में सुन ली है। प्रियो, वहीं से आपकी आवाज परमेश्वर सुन रहा है। वहीं से आपकी आवाज परमेश्वर ने सुन लिया है। रियाना मंडेले बेले ले बे रियाना माशी अठाला बारा कनाना मंडेले बेले ले ले बरियाना ना मामा और ये बाबा शे हंटेले बे। वहीं से आपकी आवाज परमेश्वर ने सुन लिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। री मामा मंडला बला कला ला लबा। वहीं से आपकी आवाज परमेश्वर सुन रहा है। प्रिय, वहीं से, वहीं से, वहीं से, वहीं से, वहीं से, कम ऑन चर्च, वहीं से परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता, उठ, अपने लड़के को उठा। आज आप जहां कहीं भी हैं, अपनी आत्मा में उठ खड़े होइए। बीमारी के बिस्तर पे तो उठ जाइए इन द नेम ऑफ जीसस। दुख में तो उठ जाइए इन द नेम ऑफ जीसस। परेशानी में तो उठ खड़े हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, यदि आपके हाथ नहीं उठ रहे, उठाना शुरू करें। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी आवाज को वहीं पर सुन लिया है जहां से तूने रोया था, जहां से तूने प्रार्थना किया था, वहीं से मेरा परमेश्वर कहता है उठ। उसने उत्पत्ति 21 उसके 18 पद में कहा है उठ। 21 उसके 18 पद में कह रहा है उठ, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ में संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर रियान डाला बाकाना माशिए टेलेबे। मेरा परमेश्वर आपको उठाएगा। मेरा परमेश्वर आपको बनाएगा। मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरा परमेश्वर इसलिए नहीं उठा रहा आपको। परमेश्वर ने जब इस्माइल को उठाया, एक बड़ी आशीष के साथ और एक बड़ी प्रतिज्ञा के साथ उठाया। जब आज मेरा परमेश्वर आपको उठाएगा, तो आपको केवल चंगा ही नहीं करेगा, वो आपको आशीषित भी करेगा। मेरा परमेश्वर जब आपके आंसुओं को पोंछेगा, तो केवल वो आंसू ही नहीं पोंछेगा, वो आपको फलवंत करेगा। मेरा परमेश्वर जब आपको विपत्ति से निकालेगा, तो केवल विपत्ति से ही नहीं बचाएगा, लेकिन वो आपको जयवंत भी करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का उठ। आज मैं जितने भी बीमार सबसे कहना चाहता, उठ जाइए आज। आप आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। जितने भी आज लोग दुख में, तकलीफ में, बीमारी और समस्याओं में, मैं उन लोगों से कहना चाहता, उठ जाइए आज। आज आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। रिये मा माशे टेले बिया ना खानते या ने ले बे ले ले बे ले बार या ना मान डिले का ना माशी के टेले बे। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथों में संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर हमारे द्वारा एक बड़ी जाति, एक बड़ी आशीष को बनाएगा। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो आपके और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर। यह उसकी प्रतिज्ञा है। कितनी अद्भुत बात जो हाजिरा और इस्माइल की जिंदगी में हुई, कि हाजिरा ने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा बच्चा मर जाएगा। यदि आज आप ऐसी उम्मीद छोड़ बैठे हैं कि मैं यदि बचूंगा ना बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे,
मेरे पति या पत्नी में से कोई मर जाएगा, इस विपत्ति के समय यदि आप सोच रहे मैं मर जाऊंगा, यदि तो विपत्ति में अपना साहस छोड़ दे तो तेरी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। विपत्ति में साहस मत छोड़िए, आप महान परमेश्वर के पास आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए जो स्वर्ग से आपकी आवाज को सुन रहा है। मैं ये नहीं क्यों कह रहा हूं कि वो सुनेगा, मैं कह रहा हूं वो अभी सुन रहा है। अभी जब आप उसको पुकार रहे हैं वो आपकी प्रार्थना को और आपकी आवाज को सुन रहा है। प्रियो वो आपकी आवाज को सुन रहा है, वो आपकी आवाज को सुन रहा है। उसने इस्माइल की आवाज को सुना, इस्माइल जो छोटा बच्चा था बहुत रो रहा था, इस्माइल रो रहा था, इस्माइल रो रहा था, बिलक रहा था प्यास के कारण। परमेश्वर उसकी आवाज को सुना, परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है। जहां कहीं हो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अगली बात जो होती है, जब एक बच्चा अपनी मां के पास होता है वो डर से आजाद होता है। प्रियो आपने देखा है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, कोई दूसरा जब उसको संभालता है प्रियो, तो आपने देखा वो बच्चा रोने लगता है। वो रोता क्यों है पता है? क्योंकि वो डरता है, वो डरता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने मां के गर्माहट को और अपनी मां के स्पर्श को जानता है। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपनी गोद में लेता है वो बच्चा रोने लगता है। हम सोचते हैं बच्चा रो क्यों रहा है, मेरी गोद में नहीं आता, मेरी गोद में नहीं आता, मेरी गोद में नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसका साइंटिफिकली रीजन, कि मां के स्पर्श को और मां की गोद को बच्चा पहचानता है, और जब कोई और उसको स्पर्श करता है, कोई और जब उसको अपनी गोद में लेता है वो तुरंत रोने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, इसलिए वो बच्चा रोता है। हम हंसते हैं कि ये बच्चा मेरे पास आता ही नहीं है, ये छोटा बच्चा मेरी गोद में आते ही रोने लगता है। आपको उसका कारण मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो अपनी मां की गोद को और अपनी मां की कोख को जानता है, इसलिए वो डरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक मां और बच्चे के रिश्ता होता है, कि बच्चा जानता है कि मैं अपनी मां के हाथों में और मैं अपनी मां की कोख में, मतलब उसकी गोद में सेफ हूं, वो डर से आजाद होता है। प्रियो वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप और मैं परमेश्वर के हाथों में हैं, उसकी गोद में हैं, इसलिए आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50वां अध्याय 50 में लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आज आपका और मेरा चेहरा परमेश्वर ने अपने हाथों में बनाया है, खोद कर बनाया है। आज आपका और मेरा चेहरा परमेश्वर ने खोद कर बनाया है। आपको मुझे डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार एक बच्चा जब अपनी मां की गोद में होता है, जब उसकी कोख में होता है, उसके जब हाथों में होता है, जब उसको दुलार करती है, जब उसको प्रेम करती है, प्रियो वो बच्चा सेफ होता है। जैसे वो अपनी मां की गोद में आता है वो रोना बंद कर देता है। कम ऑन चर्च, जितने लोग सहमत है आमीन लिखिए, यदि आप मुझसे सहमत है तो आमीन लिखिए। आपने देखा होगा जैसे ही वो कितना भी रो रहा हो, जैसे अपनी मां की गोद में आता है वो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अब मैं सुरक्षित हाथों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आज आप सुरक्षित हैं। कम ऑन चर्च आमीन लिखिए, आज आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं, आज आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। आप कहीं भी हो आज आप परमेश्वर के हाथों में आ जाइए, कहे परमेश्वर आज मैं तेरे पास आता हूं, आज मैं तेरे हाथों में आता हूं। उस बच्चे के समान कि जब वो संसार में किसी के हाथों में जाता है वो डरता और रोने लगता है। अगली बात, एक बच्चा अपनी मां के पास होता है वो सेफ होता है और डर से आजाद होता है। लिखिए अगली बात है, वो सुरक्षा प्रदान करता है।
परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। तेरे निकट 1,000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे लेकिन वो तेरे पास ना आने पाएगा। परमेश्वर यहोवा अपने पंखों के आड़ में तुझे ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आने पाएगा। परंतु तू अपनी आंखों से देखेगा दुष्टों के अंत को। परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बच्चा जब अपनी मां के पास होता है वो सुरक्षित होता है और डर से आजाद होता है। आज जब आप अपने परमेश्वर के पास आ जाएंगे आप सुरक्षित रहेंगे और डर से आजाद रहेंगे क्योंकि आप उसके पंखों की आड़ में रहेंगे। जब आपने देखा होगा मुर्गी और छोटे बच्चों को, उसके जब कोई शिकारी को आते, मुर्गी जब कोई शिकारी को आते हुए देखती है तो तुरंत अपने सारे बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपा लेती है। जो कोई उकाब को या कोई बाज पक्षी को या कोई शिकारी पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखती है वो तुरंत अपने पंखों की आड़ में अपने बच्चों को ले लेती है। वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आप और मैं उसके परों के नीचे शरण पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मां और बच्चे के अद्भुत रिश्तों को आज आप और मैं देख रहे हैं। एक आरामदायक स्थान, कंफर्ट जोन होता है। आखिरी और अंतिम बात मैं आप लोगों को बोलकर प्रार्थना में जाना चाहूंगा। आखिरी और अंतिम बात बड़े ध्यान से सुनिए। कि मां की कोख बच्चे के लिए कंफर्ट जोन होता है, एक आरामदायक स्थान होता है। बच्चे को बिस्तर पर लेटाते फिर रोने लगता है वो, जैसे मां अपने बच्चे को गोद में लेती है और हिलाने लगती है वो चुप हो जाता है। क्योंकि बच्चे को उसकी मां की जो कोख है, उसकी जो गोद है, वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होता है, उसके लिए सबसे आरामदायक स्थान होता है। उसी प्रकार दुनिया की महंगी महंगी जगह, दुनिया के महंगे महंगे स्थान, दुनिया के महंगे महंगे आरामदायक चीजें आपके लिए और मेरे लिए व्यर्थ है। आपके लिए और मेरे लिए सबसे आरामदायक स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रियो, आज ही आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरा एक जरूरी बात, प्लीज 12 दिन और हैं हमारे लिबास में। इन 12 दिनों में अपने टाइम को कहीं भी आप व्यर्थ गवाएं नहीं। संसार फिर से चालू होने वाला है, फिर हम संसार के कामों में व्यस्त होने वाले हैं, फिर जो आज जैसा आपको और मुझे समय मिला है अपने पिता के पास समय बिताने के लिए वो समय नहीं मिलेगा। प्रियो, फेसबुक फिर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप फिर भी मिलेगा, इंटरनेट फिर भी मिलेगा बाद में आपको, लेकिन ये फ्री समय जो अभी है ये नहीं मिलेगा क्योंकि आप और मैं अपने कामों में व्यस्त होंगे। प्रियो, आप और मैं अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। शैतान जो सबसे बड़ा काम आपकी और मेरी जिंदगी में करता वो है आपका और मेरा समय चुराना। आपको पता है आपके और मेरे दिन गिने हुए हैं। परमेश्वर ने दिन गिनकर आपको और मुझे इस दुनिया में रखा है। शैतान केवल आपका और मेरा समय चुरा रहा है। सोचिए, थोड़े समय पहले हम बचपन में थे, अभी जवानी में आप पहुंचे हैं। हम सोच रहे हैं दिन कितनी जल्दी गुजर रहा है। आपने कभी सोचकर देखा
कि अभी थोड़े दिन पहले हमने न्यू ईयर मनाया था, 1 जनवरी 2020 का नया साल, हम सब लोग मिले, हमने बधाइयां दी एक दूसरे को। आज देखिए, आज 3 अप्रैल हो चुका है और 3 अप्रैल कितनी जल्दी, 3 महीने गुजर गए, कितनी जल्दी शैतान इन समय को चुरा रहा है। सब कुछ फास्ट हो चुका है, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रियो पलक झपकते हम अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचेंगे और तब हम सोचेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला कि यह समय कब गुजर गया। प्रियो आज हमारे पास समय है उस महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए जिसके पास हमें जाना है, उस मालिक के पास में हमें मुंह दिखाना है। वो पूछेगा कि आपने और मैंने उसके लिए क्या किया। आज दुनिया के सबसे आरामदायक कंफर्ट जगह की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें दाऊद कहता है कि तेरे भगवान और तेरे आंगनों का एक दिन मुझे कई और के 1000 दिन से उत्तम लगते हैं। तेरे आंगन का एक दिन मुझे कहीं और के 1000 दिन से उत्तम लगते हैं। प्रियो आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि आपको और मुझे फिर से परमेश्वर की गोद में आ जाना है, परमेश्वर के स्थान पर आ जाना है, परमेश्वर की जगह पर आ जाना है, ताकि परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आज मैंने कुछ बातों को आपके लिए कही है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, फिर हम लोग प्रार्थना में जाने वाले हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। पहली बात, जैसे माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। सब लोगों को गुड न्यूज, जैसे माता अपने बच्चे से प्रेम करती है वैसे ही परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। दूसरी बात, जैसे अब माता अपने बच्चों की चिंता करती है, परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। आपको मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, माता जैसे अपने बच्चों को संभालती है वैसे परमेश्वर आपको मुझे संभालता है। परमेश्वर, चौथी बात, परमेश्वर आपकी और मेरी आवाज को पहचानता भी है और सुनता भी है। पांचवी बात, जब बच्चा अपनी माता की कोख में होता है, उसकी गोद में होता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगली बात, हमें डर से आजाद करता है। आखिरी बात, परमेश्वर की गोद हमारे लिए सबसे कंफर्ट, मतलब आरामदायक स्थान है। तो आज इस वचन पर आप मनन करें, गौर करें और फिर अपने परमेश्वर के पास लौट कर आ जाइए। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुख में, टेंशन में, तकलीफ, बीमारी से, मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। और मेरा विश्वास है जितने भी लोग कॉल्स करने वाले हैं वो सब लोगों के जीवन में काम करने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को तैयार करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रिया नमा शकटा नमन थलबा लाला बारिया नमा शिये डेले बेले के लेले ले बिरिया नमन थलबा। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग ऑनलाइन मेरी प्रार्थना को सुन रहे, हर एक को आप स्पर्श कर पिता। इसी वक्त परमेश्वर तेरा प्रेम उनको ग्रिप्ड करे, इसी वक्त परमेश्वर के प्रेम से भर जाइए भाइयों बहनों, इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाइए, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाइए। परमेश्वर इसी वक्त आप पर अपनी पवित्र आत्मा को ढेले। ओ मैं प्रभु की आग को महसूस करता हूं, वेलकम होली स्पिरिट, में प्रभु के अभिषेक को महसूस कर रहा हूं पिता। जो अभिषेक मैं महसूस कर रहा हूं, जो तेरी उपस्थिति और आग में महसूस कर रहा हूं, वे सभी लोग महसूस करें, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। जो लोग रिसीव कर रहे हैं उनके ऊपर वो उपस्थिति आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त आप आग को महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त बोन्स, ब्लड, टिश्यूज, एडिपोज में प्रभु की उपस्थिति बह रही है। इसी वक्त परमेश्वर के प्रेम से आप भर जाइए, आप इसी वक्त चिंताओं से मुक्त हो जाइए, हर एक डर और भय से मुक्त हो जाइए। परमेश्वर का प्रेम आपको आकर्षित करे। प्रभु मेरी प्रार्थना, जितने लोग बीमार है, दुख, टेंशन, तकलीफ, समस्याओं में, सब चंगे हो जाएं, तुम्हारे रुके हुए काम बन पड़े,
मेरी प्रार्थना जिन लोगों के पास में भोजन वस्तु नहीं प्रभु, तू वो भोजन वस्तु उपलब्ध करा। जिन लोगों के पास पानी, इनके पास पानी हो, परिवार के झगड़े समाप्त हो, इसी वक्त परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा आपके जिंदगी में आए इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा फाइनेंस रिलीज हो, मेरी प्रार्थना है तुम्हारी मन की आंखें और ज्योति में, कि तुम जान लो कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, भर जाइए इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आइए, वेलकम होली स्पिरिट। याला बाला बाकाला बाला काला लाला लाला बरियाना नामा अंटाला बाला लाला लाला बरियाना नामा शिकटेले बेले लेले बरियाना नामा अंटाला बाला काला लाला लाला बरियाना दला बला बकरा बरा करा रेकरे 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 प्रभु, जितने लोग आज कॉल करे सब चंगे हो पिता, सब आजाद हो, सब आशीषित हो। मेरी प्रार्थना प्रभु हर एक को आप संभाल, हर एक की सहायता मदद अगुवाई कर, हर एक को फलवंत कर पिता। मैं आज की इस पूरी मीटिंग को और आज के पूरे संदेश को तेरे लो में सुरक्षित करता हूं प्रभु। जब जब जिस जिस जगह पर इस संदेश को देखा और सुना जाए पिता, सेम अनॉइंटिंग जो अभी मैं महसूस कर रहा हूं, वही अनॉइंटिंग उनको ग्रिप्ड कर पकड़ने पाए। मैं इस ऑनलाइन सर्विस को ब्लेस करता हूं, तेरे लो में प्रोटेक्ट करता हूं पिता। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी से टूटे और तुम आजाद हो। शैतान की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी से टूटे, तुम आजाद हो। इसी वक्त पवित्र आत्मा से भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिल विद द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, फिल विद द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं आपके नाम की महिमा करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सबका आमीन, सबका आमीन। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। ऑनलाइन व्यूवर्स पार्टनर्स, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कॉल्स नंबर की लाइन को चालू कर रहा हूं, मैंने बंद कर दिया था उसको। अभी बहुत सारे लोग फोन को ट्राई कर रहे होंगे, उनका फोन नहीं लग रहा है। मैं प्रेयर कॉल लाइन को यहां से चालू कर देता हूं। अब प्रेयर कॉल्स लाइन चालू है, प्रेयर कॉल्स लाइन चालू है और आप लोग ऑनलाइन प्रेयर करा सकते हैं। ऑनलाइन प्रेयर करवाने की एक निवेदन है मेरा कि वही लोग कॉल करें जो लोग इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर रहे हैं। यदि आपने ब्रॉडकास्ट शेयर नहीं किया है तो प्लीज कॉल नहीं करें, पहले जाकर ब्रॉडकास्ट लाइन को शेयर करें और फिर आप ऑनलाइन प्रेयर के लिए कॉल करें। मैं इसी वक्त परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर रहा हूं यहां पर, परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक हमारे बीच में। भाइयों बहनों, परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक हमारे बीच में है। थैंक यू होली स्पिरिट। कॉल शुरू हो गए हैं, रितेश आवाज चेक करना थोड़ा सा। हेलो, हेलो, हाँ बहन बोलिए। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। भैया आप अभी ऑनलाइन में है ना फेसबुक में? हाँ बहन बताइए क्या प्रार्थना करें, कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरा प्रार्थना है भैया, मैं ना दुआ प्रार्थना में बांधना चाहती हूँ। मैं बंगाल की हूँ, मैं मुझे परमेश्वर बंगाली भाषा में मुझे प्रार्थना का सामर्थ्य आत्मा दे, अन्य भाषा का वरदान दे मुझे, और परमेश्वर मुझे वचन पढ़ना सिखाए, और मैं परिवार देश के लिए परमेश्वर के मैं सेवा करना चाहती हूँ। सेवा करना चाहती हैं आप? भैया मेरे गांव में कलीसिया नहीं है, मैं मुसलमान परिवार से हूँ। आप पवित्र आत्मा से भर जाइए, अभी परमेश्वर पर अपनी आत्मा को ढेल रहा है बहन। मुंह खोले और अन्य भाषा बोलना शुरू करें, आंखें बंद करें। Receive Holy Spirit anointing in the name of Jesus. Receive Holy Spirit anointing. Rebat ye hai tene men thela barra. Bhar jaye Yeshu Masih ke naam mein. Pavitra Atma ka abhishek aapki zindagi mein aa raha hai. Parmeshwar ka Atma aapki zindagi mein kaam kar raha hai. Parmeshwar isi waqt is behan ko apni atma ko undhele. बहन इसी वक्त परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। सेवकाई की बुलाहट आपकी जिंदगी में काम आए। आज से तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाएं। और रीबा ठाना मान ठेली आला बोरो कोनोमा और रीबा शी ठेले बे। आपकी जबान से परमेश्वर की सामर्थ बहने लगे। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट।
धन्यवाद बहन, धन्यवाद आधे भाषा आपके मुंह से निकल रही है, बोला शुरू करें, बोला शुरू करें, बोला शुरू करें, बोला शुरू करें, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बोला शुरू करें यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा से भरकर बोलना शुरू करें, बहन इसी वक्त पवित्र आत्मा से नियंत्रण में आ जाओ, वेलकम होली स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले, 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 पिता मेरी प्रार्थना है बहन बोला शुरू करें, बोला शुरू करें, बहन शांत होकर बोलना शुरू करें, जो शब्द परमेश्वर आपको दे रहा है बोलना शुरू करें, बहन जो शब्द आपके अंदर से निकल रहे बोलना शुरू करें, धन्यवाद बोलना बंद करें, धन्यवाद बोलना बंद कीजिए, थैंक यू होली स्पिरिट, बहन शांत हो जाइए, बहन शांत हो जाइए, वेलकम होली स्पिरिट, पिता मेरी प्रार्थना है इसी वक्त बहन पर तेरा आत्मा उतरे, वो तेरी आत्मा से भर जाए, सेवकाई के लिए खड़ी हो और तेरी महिमा हो, बहन शांत हो जाइए, आत्मा से भर जाइए, आत्मा से भर जाइए, इसी वक्त परमेश्वर आपको छुए और स्पर्श करे, इसी वक्त सारे बंधन टूटे, हर एक सताव की सामर्थ जाए, हर एक बीमारी की सामर्थ जाए, इसी वक्त परमेश्वर आपको नियंत्रण कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से निकल रहा है, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से बह रहा है बहन, इसी वक्त जैसे माता अपने बच्चे को संभालती, यीशु आपको संभाल रहा है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर भर रहा है, इसी वक्त कई सारे शब्द अन्य भाषा के मैं आपके हृदय से निकलता हुआ देख रहा हूं बहन, जो शब्द आ रहे हैं, जो शब्द आपके हृदय से निकल रहे हैं, बस बस केवल आप शब्द बोलना शुरू करें, केवल शब्द बोले, केवल शब्द बोले, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू, बहन सुनिए, बहन मेरी आवाज को सुनिए, बहन मेरी आवाज को सुनिए, थैंक यू, बहन मेरी आवाज को सुनिए, बहन मेरी आवाज को सुनिए, बहन मेरी आवाज आ रही है आपको, थैंक यू होली स्पिरिट, पिता मैं इस बहन को तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हेलो हेलो सर, मैं हाँ, शिवनी से बोल रहा हूँ, कैलाश गोनकर, शिवनी से बोल रहे हैं, बताइए भाई क्या प्रार्थना करें आपके लिए, सर मेरे राइट साइड में पेट में दर्द और कमर में दर्द है, हाथ रख लीजिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता इसी वक्त इनके राइट साइड से और कमर में और पेट में जो दर्द है यीशु के नाम जाए और तू चंगा हो जा भाई, दर्द यीशु के नाम में जाए और चंगा हो जाओ, दर्द यीशु के नाम में जाओ चंगा हो जाओ, दर्द यीशु के नाम में जाए और तू चंगा हो जाए, बी हील इन जीसस माइटी नेम, भैया दबाकर चेक करें, दबाएं और चेक करें, यस ठीक लग रहा है, ठीक हो गए जी, आवाज आ रही है जी, जितने लोग ऑनलाइन है सबको आवाज आ रही है जी, यस यस यस, आ रही है, चंगे हो गए आप, यस, प्रभु का धन्यवाद करें, भाई ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह से अपनी चंगाई को प्राप्त किया है, सब लोग प्रभु की महिमा करें, ताली बजाकर कहें धन्यवाद यीशु, और जितने लोग ऑनलाइन है सब लोग इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये ब्रॉडकास्ट पहुंचे, ऑनलाइन प्रार्थना हो रही सब लोगों के लिए, भैया मेरा निवेदन आपसे, जाएं और शेयर करें और अपनी गवाही को अभी डालें, हेलो, हाँ बताएं, हेलो, हाँ जी, शिवजी से बोल रही हूँ जी मैं, हाँ बताएं क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए, जय माता की, मेरे ये जो बक्खी में बहुत दर्द होता है, दोनों बक्खी के जोड़ में बहुत दर्द होता है, और मेरे गर्दन में दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती मुझे, आंखें बंद करें, दर्द जा रहा है, पिता मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से इस बहन के दोनों बक्खे से, कमर से, हाथों से, जहां कहीं भी दर्द है जीसस नेम जाए, दर्द की आत्मा
जीसस नेम जाए, दर्द की आत्मा जीसस नेम जाए और तुम चंगी हो जाओ यीशु भक्ति मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, आमीन। बहन दबा कर देखिए, आप चंगी हो चुकी हैं। आमीन। दबा कर देखिए जल्दी से, देख लिए कैसा है। हाँ, ठीक है जी। ताली बजा कर धन्यवाद करें, बहन ने चंगाई को पा लिया है। कम ऑन चर्च, दोनों गवाहियों को डालें। बहन तुरंत चंगी हो चुकी है, सब लोग गवाहियों को डालें। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रेयर लाइन चालू है, आप लोग कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। नेक्स्ट, हेलो, जय मसीह की सर। जय मसीह की, बताएं क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए। आवाज क्लियर है सर? ओडिशा से बोल रहा हूँ, आपकी महाराष्ट्र में हूँ सर। ये ओडिशा से हो रहा है सर, ओडिशा से बोल रहे हैं। तो दवाई लिया था अभी, थोड़ा है खांसी और ये दर्द, छाती में दर्द हो रहा है। और फिर गांव में सर पापा को भी ऊपर में वो बीमार है सर। प्रार्थना करते हैं आपके लिए इसी वक्त पिता, मेरी प्रार्थना है गले का छाती का सारा दर्द यीशु के नाम में जाओ, तू चंगा हो जाए भाई। गले और छाती का सारा दर्द यीशु के नाम जाओ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। भाई इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आप चंगे हो यीशु के नाम से, आमीन। दबा कर देखिए, दबा कर देखिए जल्दी से। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करें। भैया ठीक लग रहा है? ये सर थोड़ा थोड़ा अंदर से सर। अरे भैया दर्द है कि नहीं है ये बताओ आप। है सर, थोड़ा थोड़ा है सर, आती आता ना कभी कभी। भैया कल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ आपसे ना। आंखें बंद करें, फिर से प्रार्थना करता हूँ मैं। सारा दर्द जा रहा है, सीने का सारा दर्द यीशु के नाम जाओ, सीने का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम जाओ और तुम चंगा हो जाओ भाई। अभी आप चंगे हो रहे हो, सारे डर से आजाद हो रहे हो, सारे शक से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भैया सीने को दबाइए, दबाइए सीने को। कई दर्द है? नहीं सर। ताली बजाकर धन्यवाद करें, भाई चंगा हो गया। भैया जाएं, इस गवाही को डालिए और गवाही को डालने के बाद में इसको शेयर भी कीजिए। जाइए जल्दी से जाइए। नेक्स्ट, हेलो, बहन पीछे से आवाज बंद कीजिए। आप बोलिए, कौन बोल रही हैं आप और कहां से? रेलम बघेल बोल रही। रेलम बघेल? हाँ बघेल। हाँ करवाना। हाँ बहन कहां से बोल रही हैं आप? कहां से बात कर रही हैं आप? कौन बोल रहे? बहन मैं एपोस्टल रोहित मसीह बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्रेयर सर्विस से। अभी ऑनलाइन चल रहा है और सब लोग देख रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ बहन रेलम, आप कहाँ से बात कर रही हैं? थैंक यू होली स्पिरिट। रामा अंडला बा रिका नमा शे डेले बे लेबो नमा रका नमा अंडला बा बा रिया नमा शे डेले बे लेले बे रिया नमा। हलो हलो हलो, आवाज़ नहीं आ रही। हलो जी, हलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप जी? आप कहाँ से? ये सिरोंज से बात कर रहे थे बहन। जो पीछे आपके पीछे जो लाइव चल रहा है ना जी, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। आप देखिए सामने स्क्रीन पे दिख रहा हूँ मैं आपको। हाँ दिख रहा हूँ ना जी। हाँ प्रभु का धन्यवाद। बताइए आपका क्या प्रार्थना निवेदन है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, आवाज कट रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, हाँ बहन आपका प्रार्थना निवेदन बताएं। सर मैं मतलब जो ये थ्रेड प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं, तो एक दो दिन ज्यादा हो जाते हैं, मतलब मेरी मैरिज हो चुकी है। हाँ हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ मेलविन भाई बोलिए। थैंक यू, आप मेलविन बोल रहा हूँ मैं जी। प्रेज द लॉर्ड सर, जय मसीह की। बताएं मेलविन भाई जल्दी से, आप लाइव है अभी? हाँ सर लाइव हूँ मैं, आप दिख रहे हैं कि नहीं?
हाँ, मैंने आपको इस दिन ही मैसेज किया था प्रेयर के लिए, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि मेरी एंजाइटी इशू के लिए आपने जब मेरे लिए प्रेयर किया था तो मुझे काफी रिलीफ मिला था सेम डे, प्रभु का धन्यवाद। सेम टाइम मैं एक और प्रेयर करना चाह रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैं शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं था बात करने में, लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया अभी। मेरे घर में कुछ फैमिली इशूज चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे किड्स, हम लोग साथ पे रहे, इकट्ठे रहे। और ठीक है मेलविन भाई, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप दिल्ली से हैं और देखिए आपको अभी सारी दुनिया देख रही है, आप लाइव हैं अभी, है ना, लाइव सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। पिता मेरी प्रार्थना है भाई मेलविन के लिए इसी वक्त, जो दिल्ली में तेरा पवित्र आत्मा उनको छुए, उनके घर से, उनके परिवार से हर एक झगड़े के सामने टूटे, डिस्प्यूट के सामने टूटे, मैं आग गा देता हूं परिवार में झगड़े करने वाली और परिवारों को तोड़ने वाली आत्मा, यीशु के नाम से तुम्हारी जिंदगी से जाए और तुम आजाद हो जाओ। मेरी प्रार्थना है प्रभु इनके घर में मैं शांति कहता हूं, इनके घर में शांति कहता हूं, इनके घर में पीस कहता हूं, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शांति का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा, प्रेम का आत्मा तुम्हारी जिंदगी पर नियंत्रण ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है मेलविन भाई, हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बहन बोलिए। हाँ जी सर, मैं यूपी से बोल रही हूँ सर, पुष्पा। हाँ यूपी से पुष्पा बोल रही है, बोलिए बहन। हाँ जी सर, मेरे ना कमर में बहुत रात में दर्द होती है, बहुत ज्यादा। अभी दर्द हो रहा है अभी? हाँ जी, और अभी पूरे शरीर में, कंधे साइड, शोल्डर साइड। आंखें बंद कीजिए, बस आंखें बंद कीजिए, ईशु की ओर ध्यान लगाइए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बहन के कमर में, सिर में और शरीर में दर्द करने वाली आत्मा यीशु के नाम दूर हो, हर एक दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम दूर हो, हर एक दर्द और भारीपन की आत्मा बहन तुम्हारे शरीर से यीशु जाए और तुम चंगी हो यीशु के नाम में, आमीन। चेक करो बहन, बहन शरीर चेक कीजिए, आप ठीक हो चुकी हैं। हाँ जी सर, ये शोल्डर तो मेरा मतलब आराम हो गया है। आराम हो गया है, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू सर, गवाही डालिए, गवाही थैंक यू हमको नहीं, इशू को करने के लिए गवाही डालें और शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, ठीक है, शेयर करें। ठीक है सर, थैंक यू। जिस प्रकार बहन पुष्पा और बहुत सारे लोग अभी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप सबसे पहले इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, मेरा निवेदन है आप शेयर करें, शेयर करें, शेयर। बहन मैं हाँ बहन रुकिए जरा सा, रुकिए 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 रुकिए, जितने लोग ऑनलाइन इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं प्लीज आप इसे शेयर करें। जो लोग चंगाई को पा रहे हैं इंस्टेंटली, जो लोग चंगाई को पा रहे हैं, मेरा निवेदन है उन लोगों से कि वे लोग अपनी गवाही को डालें। अगली बात यह है कि जीजस शालोम चर्च ऑफ गॉड की ओर से मेंटरशिप दी जा रही है, आप मेंटरशिप ले सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर सेवकाई करें। यदि आप चाहते हैं आप पर्सनली बातचीत करना है, प्रेयर कराना, यदि आप चाहते हैं पर्सनल प्रेयर कराना, पर्सनल बातचीत करना, यदि आपका क्वेश्चन है, आप मेंटरशिप ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं आप। मेंटरशिप लेने के लिए आप मेरे मैसेंजर पर जाइए, पर्सनल इनबॉक्स पर, आप अपना नाम, आप अपना पता, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। जब भी हम, जैसे हम फ्री होंगे इस ब्रॉडकास्ट से, हम लोग आप लोगों से संपर्क करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें और इस रिक्वेस्ट को शेयर करें। और जो लोग भी इस ब्रॉडकास्ट पे अपनी प्रार्थना निवेदन शेयर कर रहे हैं वो डायरेक्ट कॉल करें। हाँ बहन बोलिए, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? रायपुर छत्तीसगढ़ से एक बहन बात कर रही है। बहन क्या विषय आपका प्रार्थना का? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 माह पहले, 1 महीने तक प्लास्टर लगा था, प्लास्टर खुले लगभग 1 माह होने जा रहा है, परंतु मुझको चलने में प्रॉब्लम है। सब लोग ध्यान से सुनिए, पहली बोन में भी दर्द है और लंगड़ के जब भी मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था 2 महीने पहले, और एक्सीडेंट के बाद में प्लास्टर लगा, और प्लास्टर लगने के बाद में बहन चल नहीं पा रही अभी तक, ये सही, आई एम राइट? जी सर जी। अभी आप चलने वाली हैं, अपने स्थान पर खड़ी हो जाइए, अभी खड़ी हो जाइए, आप चंगी हो गई हैं, खड़ी हो जाइए और रिसीव करें। इसी वक्त स्वर्गदूत जाएं और बहन की बोन को रिपेयर करें, बोन बी ही जीसस नेम, पवित्र आत्मा आपकी बोन को छुए, टच, मैं आज्ञा देता हूं बहन के बोन में पैन करने वाला स्पिरिट, लेग पैन,
यीशु के नाम दूर हो। मैं बहन तुम्हारे पाओ को आशीष देता हूँ, श्राप को तोड़कर तुम्हारे पाओ को आशीष देता हूँ। इसी वक्त आप सारे दर्द से आजाद हो रही है, आप लंगड़ेपन से आजाद हो रही है, आप चंगी हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस उठ और चल फिर बहन, चल फिर करें यीशु मसीह के नाम में। बहन चले फिरे यीशु मसीह के नाम में, अभी चलना शुरू करें यीशु के नाम में, अभी चलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में, अभी चले 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 दर से आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बहन चलिए, बहन चलिए, आप चल रही हैं बहन, आप चल रही हैं जी जी ब्रदर। कोई दर्द है बहन? यदि मेरी आवाज आपके पास में आ रही है तो आप जरूर रिप्लाई करें, जल्दी रिप्लाई करें, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। तो जी ब्रदर, पहले से काफी आराम लग रहा है, आराम है, चल रही हैं आप? जी आराम है, काफी रिलैक्स लग रहा है सर। आप चल रही हैं जी? जी दर्द नहीं है? हाँ। ताली बजा कर, बहुत ही कम दर्द है। लो वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। आंखें बंद करो, बोलो वो भी जा रहा है, बोलो 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 वो भी जा रहा है। पिता मेरी प्रार्थना है सारा दर्द पांव से यीशु के नाम दूर हो, श्राप बंधन टूटे, मैं तुम्हारे पांव को आशीष देता हूँ। बहन विश्वास करो, उठो और चलो फिरो, सारा दर्द यीशु के नाम गायब हो जाए, बी हील जीसस नेम। बहन चल कर देखिए, वो दर्द भी चला गया यीशु के नाम में, जल्दी से चले और देखें। थैंक यू ब्रदर, चले गया, थैंक यू ब्रदर, प्रभु का धन्यवाद करें। देखिए बहन, दो महीने से एक्सीडेंट के कारण लंगड़ी हो चुकी थी, पाँव में दर्द था, लेकिन अभी परमेश्वर की आत्मा इस बहन को छुआ, तुरंत चंगी हो चुकी, तुरंत। सोचिए एक्सीडेंट के बाद में जो काम, थैंक यू हालेलुया, अब कोई दर्द नहीं है? नहीं, अब दर्द नहीं है। अरे हालेलुया, कम ऑन चर्च चिल्लाए हालेलुया, बहन को दर्द नहीं है, जो लंगड़ेपन की आत्मा थी वो चली गई, दर्द चले गया, एक्सीडेंट वाला ठीक हो गया है, हालेलुया चिल्लाए, कम ऑन चर्च रब्बा टे एंटेले बे रेवांडला बाला 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 बाला। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, यीशु लंगड़ों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है। बहन बहन जाइए, अपनी गवाही को दीजिए, बहन अपनी गवाही को दीजिए, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए, लंगड़े भी चल रहे हैं यीशु के नाम में, कम ऑन चर्च। नेक्स्ट, हालेलुया, थैंक यू ब्रदर जी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हेलो 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 हेलो, भैया जल्दी से बोलिए। हेलो भैया, प्रेज द लॉर्ड, हम झारखंड से बोल रहे हैं। झारखंड से भैया, क्या नाम है आपका? शिनाई सुरेन। बोलिए भैया। शिनाई सुरेन क्या? शिनाई सुरेन। शिनाई सुरीन जी बात कर रहे हैं, बोलिए जी। भैया मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है, एंकल में, घुटना में, कमर में, बाजू में बहुत दर्द रहता है, उठने चलने फिरने में बहुत ही सारा दिक्कत है। अभी आप चलेंगे फिरेंगे और ठीक हो रहे हैं, ठीक है? और बस आत्मा से भी भरना चाहते हैं, उसके लिए भी थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा। अभी आप ठीक हो रहे हैं जी, है ना? मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शांत रहिएगा। जितने भी लोग ऑनलाइन है, प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल्स कर पाए और प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त कर पाए। प्लीज आप हमारे साथ जुड़कर मदद करें सेवकाई में। आपकी मदद केवल इतनी है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रभु यीशु मसीह से चंगाई छुड़कर आशीष प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त कर सकें। जो लोग चंगे हो रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, प्लीज आप अपनी गवाही को डालिए, ताकि सुनने वालों के जीवन में विश्वास आए। और आपसे निवेदन है, प्लीज इस ब्रॉडकास्ट में लगातार आप बने रहिए। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जो लोग पर्सनल प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो लोग बात करना चाहते हैं, प्लीज वो लोग अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता लिखकर मैसेज करें और कहें कि मैं मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, मेंटरशिप लेना चाहता हूँ। आप जीसस शालम चर्च ऑफ गॉड के साथ जुड़कर सेवकाई कर सकते हैं, मेंटरशिप लाइन चालू है, और आपके पास एक मौका होगा खास कि मैं मेंटरशिप वाले लोगों के लिए मैं स्वयं बातचीत करूंगा और उनसे उनके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप लोगों की लाइन्स खुली है। अब देखिए अगले भाई झारखंड से हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करे। भाई इसी वक्त अपनी चंगाई को आप रिसीव करें। पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारा दर्द तुम्हारे शरीर से नष्ट और निकले बाहर। हे दर्द की आत्मा भाई के जीवन से नष्ट और निकले बाहर। हे दर्द की आत्मा यीशु के नाम निकल और तू चंगा हो जा भाई, बी हील इन जीसस नेम। भैया पवित्र आत्मा आपको चंगा करे इसी वक्त, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भैया उठे और चले फिरे, भैया खड़े हो जाइए और चले फिरे, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। उठिए चल फिर करें,
प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। टच टच, आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान। कम ऑन, खड़े हो जाइए, डरिए मत। आपके घुटनों का सारा दर्द जा रहा है, चलना शुरू करो। हाँ जा, सारा दर्द जाओ। ए दर्द की आत्मा इस भाई के शरीर को छोड़कर चली जा। ए बीमारी की आत्मा इस भाई को छोड़ और चली जा। प्रभु तेरे वचन को मैं क्लेम करता हूं कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, मरो को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो उसी सामर्थ्य और अधिकार से। ए बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और दर्द की आत्मा यीशु के नाम दूर और भाई चंगा हो जा। भैया भैया चेक करें शरीर को, है दर्द है सर। कहां पर है? पैर नहीं उठ रहा है, खड़ा तो हो गया लेकिन पैर नहीं उठ रहा है। अभी उठेगा, यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर। इसी वक्त पांव उठाए और चलना फिरना शुरू करें, द नेम ऑफ जीसस। पांव उठाए और चलना फिरना शुरू करें भाई, चलना है, डरो मत। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने कहा उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम में, उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम में, उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम में, उठो चल फिर यीशु मसीह के नाम में। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ चलो, द नेम ऑफ जीसस, चलो फिर यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, चलो फिर यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, चलो यीशु मसीह के नाम में। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दर्द से आजाद हो जाओ भाई, दर्द और भारीपन तुम्हारे शरीर को छोड़े और जाए और तुम चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। चेक करें भैया अपने हाथ और पैरों को। आमेन। कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है लेकिन पूरा ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। हल्का लग रहा है? जी हाँ। हल्का लग रहा है? जी हाँ हल्का लग रहा है। प्रभु का धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं भाई, अपने शरीर में हल्का महसूस कर रहा है, अब वो चले फिरे भी। कम ऑन, जितने लोग ऑनलाइन है प्रभु का धन्यवाद करें भाई, अपने शरीर में हल्का महसूस कर रहे हैं। पिता मेरी प्रार्थना है सारे दर्द से आजाद हो जाए, सारे दर्द से आजाद रहे और ये भला चंगा स्वस्थ रहे यीशु मसीह के नाम से। भाई कहे आमीन, 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 आमीन। आप प्रभु का धन्यवाद करें, बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नेक्स्ट भैया अपनी गवाही को डालें। नेक्स्ट, हेलो हेलो। हाँ जी भाई बोलिए, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? हाँ सर, मैं बालाघाट जिले से बोल रहा हूँ सर, विजय खरोले। हाँ बोलिए विजय भाई, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? सर मेरे बदन में दर्द, गर्दन दर्द देती सर, सोता हूँ तो, और कमर दर्द देती सर। आंखें बंद कीजिए। पिता मेरी प्रार्थना है सारा कमर का दर्द, पेट का दर्द, सिर के दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम में जाए, दर्द यीशु के नाम में जाए, भारीपन यीशु के नाम में जाए और चंगा हो जा भाई। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। भैया उठे चले फिर, उठो और चलो फिरो, ठीक है, उठो उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। बी हील जीसस नेम, चेक करो शरीर को। बी हील जीसस नेम, चेक करो शरीर को। हाँ सर, दर्द दर्द है या नहीं है? अभी दर्द है सर। कहां पर है? गर्दन में सर। बस आंखें बंद करो, गर्दन का सारा दर्द यीशु के नाम में जाए, गर्दन का सारा दर्द यीशु के नाम में जाए, गर्दन का सारा दर्द यीशु के नाम में जाए और तुम चंगा हो जाओ भाई यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, दर्द और भारीपन से आजाद यीशु के नाम में। आमीन। गर्दन को दबाकर देखें, ठीक है सर। ताली बजाकर धन्यवाद करें, भाई ने इसी वक्त अपनी चंगाई को प्राप्त किया। कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं बालाघाट जिले तिरोड़ से बात कर रहा हूं सर। भैया जाएं, सबसे पहले इसको ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ठीक है, और शेयर करने के बाद अपनी गवाही को डालिए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। नेक्स्ट, हेलो हेलो। हाँ जी कौन बोल रहा है, कहां से? हेलो। हाँ बहन बोलिए, कहां से बोल रही है? मैं तेजपुर आसाम से बोल रहा हूँ। कहाँ से? तेजपुर आसाम से सर। आसाम से बोलिए। जी हाँ, आसाम, तेजपुर आसाम से। हाँ बहन बोलिए आगे। सर मेरा जो बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं, एक कुछ दिन दो महीने से मैं बीमार में हूँ। हाँ। जो आसाम का डॉक्टर ने वो करने नहीं सका, तो बाद में मैं वो गुवाहाटी जाना पड़ा, इधर तेजपुर का डॉक्टर ने वो करने नहीं सका। तो उधर में भी अभी मेरा बीमार को कुछ क्लियर नहीं है, तो लोग ने बोला है तो बहन ये बताइए, अभी आप अपने शरीर में अंदर में मैं मुझे दवाई दे रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सुनिए सुनिए, मानना है या तो टीबी है या तो फिर आपको, आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आप शांत हो जाइए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको टीबी भी नहीं है, आपको कैंसर भी नहीं है,
जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है। आप केवल विश्वास करें, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोई बात नहीं। अभी आप अपने शरीर में क्या महसूस करें ये बताएंगे आप, कहीं दर्द है, कहीं दर्द है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोल रही सर, मैं सुन रही हूँ। कहीं दर्द है शरीर में? हाँ सर, दाहिने और मेरा वो जो चेस्ट का, ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, चंगी हो जाओ, अपने स्थान पे खड़ी हो जाओ। Rise up and be healed in the name of Jesus. खड़ी हो जाओ, चंगाई को प्राप्त करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, be healed Jesus name, be healed Jesus name. सारे बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और दर्द के शैतान यीशु के नाम निकल बाहर। टीबी, एड्स, कैंसर की गंदी आत्मा यीशु के नाम निकल बाहर। बहन इसी वक्त मेरा प्रभु आपको चंगा करता है। योर बोन्स, ब्लड, टिश्यूज, एडिपोज बी हील्ड। चंगी हो जाओ बहन यीशु मसीह के नाम में। बोन्स, ब्लड, टिश्यूज, एडिपोज बी हील्ड। चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोन्स, ब्लड, टिश्यूज, एडिपोज बी हील्ड। चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं चंगाई की घोषणा कर रहा हूं बहन आपके शरीर में। मैं आपके शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूं। सीने का सारा दर्द चले जाए, सारा बैक्टीरिया और वायरस जो आपके शरीर में इन्फेक्शन करता है नष्ट हो। आप चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त चंगाई को पाओ, चंगाई को पाओ, चंगाई को पाओ, चंगाई पाओ, तुम चंगी हो यीशु के नाम में। आमीन। बहन बहन चले, थोड़ा सा चल फिर करें। कई दर्द है? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। हालेलुया। देखो, जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, जो बीमारी लोग पता नहीं कर सके, बहन के विषय में था कि मैं जीऊंगी या मरूंगी, लेकिन इसी वक्त बहन चंगी हो चुकी है बहुत बड़ी बीमारी से। आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है जीवित परमेश्वर के लिए। बहन अपने मुंह से बताएं, बहन कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छी महसूस कर रही हूं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस। प्रभु का धन्यवाद करें, एक बड़ी गवाही। कम ऑन चर्च, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने लोग ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जाएं इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, अपनी गवाही को। बहन आप अपनी गवाही को डालें और सबको बताएं यीशु ने आपको चंगा किया। जी सर, हालेलुया। देखो मैं यीशु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देखो बहन के लिए इलाज संभव नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने बहन को चंगा किया। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग अपने घरों में, जल्दी से अपना फोन कॉल्स को, फोन को उठाइए, +91914400202030 पर कॉल करें और आप इसी वक्त परमेश्वर से अपनी चंगाई को, छुटकारे को और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अभी इस ब्रॉडकास्ट पर, इस कॉल पर हूँ, तब तक आप कॉल कर सकते हैं, कॉल घुमा सकते हैं, प्रार्थना के लिए आप कॉल करा सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आप पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं, पर्सनल प्रेयर कराना चाहते हैं, यदि आप जेरुसलम चर्च ऑफ गॉड के साथ जुड़कर सेवकाई करना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल मैसेज बॉक्स में जाएं, आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर डालें, मैं पर्सनल कॉल्स करूंगा आपके लिए, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और लीडर्स लोग प्लीज़ 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 लीडर्स लोग प्लीज़ प्रेयर टावर का नंबर शेयर करें। हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए, कहाँ से? मैं सागर से बात कर रही हूँ, सागर से बोल रही हूँ मैं। बोलिए बहन, सागर से। जी हाँ, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? चक्कर आता है तो प्रेयर सुनना है मुझे आपका। चक्कर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारे चक्कर और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम में जाए और आप चंगी हो जाओ। चक्कर और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम में जाओ और आप चंगी हो जाओ। चक्कर और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम में जाओ और आप चंगी हो जाओ। बहन इसी वक्त आपके चक्कर और भारीपन शरीर से जा रहे हैं, चक्कर और भारीपन की आत्मा आपके शरीर से जा रही है और आप चंगी हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। चक्कर भारीपन आपके शरीर से जाएं और आप चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहन चेक करें कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी अच्छा महसूस कर रही, पर आपका प्रेयर होता है ना तो मैं सुनने के लिए लगाई थी मैंने। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। रामान ठाला बारिया नमा शेडेले बेली खाना मन ताला बुरा नमा शेडेले बेली ले बारिया नमा टेले बेली कला लबुर कुनो नमा टेले बला लबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर्स लोग हैं, सब लोगों के लिए खुशखबरी है, मेंटरशिप की लाइन चालू है, प्रेयर कॉल्स लाइन चालू है। जितने लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं वो प्रार्थना करा सकते हैं, जितने भी लोग लाइन पर हैं प्रार्थना कराने के लिए वो प्रार्थना करा सकते हैं। अपना फोन कॉल्स उठाइए,
फोन उठाइए, फोन उठाइए, फोन उठाइए, कॉल करें, फोन उठाइए, कॉल करें। थैंक यू होली स्पिरिट। हेलो, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बात कर रही है? हाँ जी बोलिए। पास्टर जी, मैं सिक्किम से बोल रहा हूँ, आपकी पहले कॉल किया था ना। सिक्किम से बात कर रही है बहन, बताइए क्या प्रार्थना करें आपके लिए। मेरा बेटा का ना वो मैंने बोला था ना आप वो हार्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी ना मेरे बच्चा ना ज्यादा खैर खैर होता है ना, वो ग्राफी में ना कफ ऐसा बोल रहेगा। बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही हमारे पास तक, आप बताइए क्या प्रार्थना करना है आपके लिए। मेरा बेटा था ना, हेलो, हाँ बेटे के, मैंने बात ना सुन ली है, निवेदन सुन लिया है कि बेटे के लिए प्रार्थना करना है ताकि उसका हार्ट जो है वो नॉर्मल हो जाए। आपके लिए क्या प्रार्थना करनी है? जितने लोग ऑनलाइन कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहे हैं कि प्रेयर करें मेरे लिए, प्लीज प्रेयर करें, प्लीज प्रेयर कॉल्स लाइन चालू है, आप अपना फोन उठाइए, प्रेयर कॉल्स के लिए फोन कीजिए। अभी मैं कुछ देर यहाँ पर हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए आप तैयार हो जाइए। बहन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें बंद कीजिए, पिता यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है। बहन आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इसी वक्त बहन उनके परिवार पर आपका सामर्थ्य हाथ पहुंचे, बहन का बच्चा यीशु मसीह के नाम में भला चंगा स्वस्थ, उसकी हार्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आए, उसके बोन्स ब्लड टिश्यूज एडिपोस यीशु के लहू की सामर्थ से चंगे हो जाएं। पिता मेरी प्रार्थना है अगली बार जो रिपोर्ट आए वो नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस, नॉर्मल रिपोर्ट इन द नेम ऑफ जीसस, नॉर्मल रिपोर्ट इन द नेम ऑफ जीसस, रिपोर्ट नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहन के लिए और बहन के परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है, बहन और उसका पूरा परिवार भला चंगा स्वस्थ रहो, आशीषित रहो, फलवंत हो और आगे बढ़ने पाए। मैं ब्रेक करता हूँ, शैतान की सारी सामत टूटे, बहन उनका परिवार आजाद हो, आशीषित हो, फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन बहन, बहन आमीन, 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 ठीक है, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। जो लोग फोन कर रहे हैं शायद उनको फोन कॉल्स बिजी बता रहा होगा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप कॉल्स कंटिन्यू करते रहें, कॉल्स आपकी लगेगी, आप निराश मत होइए, आपकी बात हो पाएगी, प्रार्थना के साथ आप कॉल कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। और जैसे माता अपने बच्चे को संभालती, आज प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाला है। कम ऑन, प्रेयर लाइंस खुली है, जल्दी से मैं प्रेयर लाइंस बंद करने वाला हूं, इसलिए जितने लोग अभी प्रार्थना के लिए जुड़ सकते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी सब लोगों बाद में भी कॉल कर सकते हैं प्रेयर टावर्स पर, प्रेयर टावर पर हमारे प्रार्थना योद्धा आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह से अपनी चंगाई को, छुटकारे को और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। देखो टेस्टमनी आ रही है चरण डे मायरी की, वो गवाही को अपनी लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर आप लोग की चरण भाई ने अपनी गवाही को लिखा है यहाँ पर, गॉड ब्लेस यू चरण भाई, आपने अपनी गवाही को यहाँ पर दिया है। हेलो, हेलो, हाँ बहन कहाँ से बोल रही हैं आप? जी हम लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट गोला से बोल रहे हैं। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? जी गोला से। गोला से बहन बताइए क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए। जी हमको अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करानी थी। ठीक है बहन, आके बन कीजिए, हम आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता मेरी प्रार्थना, इसी वक्त बहन पर अपने सामर्थ्य हाथ को लगाइए, बहन पर आए हुए हर एक श्राप बंधन टूटे और बहन आशीषित, उनके लिए आप अच्छी आशीषित गवर्नमेंट जॉब का इंतजाम करें। पिता मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहन गवर्नमेंट जॉब को पाए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरी प्रार्थना है आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आप रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर हैं, तेरे वचन के अनुसार जितने कामों पर तेरी बेटी हाथ लगाए सब पर आशीष हो, जब प्रभु तेरी बेटी के लिए अनुकूल समय आए सारे बंद दरवाजे खुल जाए और ये गवर्नमेंट जॉब को पाए और तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम में बहन रिसीव करें गवर्नमेंट जॉब को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रबा लाठे अनंडे लेबे लेबे लेबे, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिबा टिकंडला बरा बरा रबा ला बरिया ना मंडे लेबे लेले लेगे लेबे गरे रबा, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, गवर्नमेंट जॉब को पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू जे, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हेलो, हेलो,
हाँ बहन बोलिए, कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सुनाई नहीं दे रही है। हेलो आवाज आ रही है? हेलो बहन, पीछे से स्पीकर बंद कीजिए आप। भैया सुनाई नहीं दे रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं अच्छा कुछ सुनाई नहीं दे रही है मेरे। फिर से लगाइए, फिर से लगाइए, फिर से लगाइए फोन, फिर से लगाइए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं जी। दिल्ली से बोल रहे हैं, बताएं क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? सर जी हमारे परिवार में सुख शांति आए और हमारी पत्नी का सीने में दर्द होता है और प्रभु में आशीष में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखने के लिए भी कुछ आपके पास हो तो वो बता दीजिए। भैया अभी ऑनलाइन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आपको पूरी दुनिया सुन रही है ना, तो अभी हम आपके लिए आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर देते हैं। ठीक है आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, जब कुछ चाहिए अपना नाम अपना पता अपना मोबाइल नंबर पर्सनल इनबॉक्स में डालिए, फिर हम जब भी फ्री होंगे आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है ठीक। आपकी पत्नी के पास फोन लगाइए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके सीने का सारा दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। पिता मेरी प्रार्थना है इसी वक्त बहन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सीने का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम में जाए, सीने का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम जाए, परिवार से हर एक श्राप बंधन टूटे, जादू टोना तंत्र नष्ट हो, परिवार के सारे लोग भले चंगे स्वस्थ हो, परिवार में शांति आ जाए, परिवार में शांति आ जाए, परिवार में शांति आ जाए। मैं सारे शैतान के कार्य नष्ट करता हूं, आपका बेटा बुद्धि ज्ञान समझ कर पाए और चंगा हो जाए, बहन चंगी हो जाए तेरी में यीशु के नाम में, आमीन। हेलो हेलो, पूछिए बहन से कैसा लग रहा है उनको? देख कैसा लग रहा है, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को बहन ने चंगा किया है। नेक्स्ट, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बहन बोलिए। जी भैया मेरी, मेरा नाम सरिता है। बहन सरिता बोलिए, उड़ीसा से बोल, उड़ीसा से बोलिए बहन। मेरी मम्मी का ज्यादा सर पे दर्द है और उसका चक्कर आती है। अभी मम्मी कहाँ है आपकी? मेरी मम्मी उड़ीसा में है, अभी मैं फिलहाल मुंबई में हूँ। ठीक है, प्रार्थना करें आपकी मम्मी के लिए। जी पिता मेरी प्रार्थना बहन की मम्मी के लिए इसी वक्त, बहन की मम्मी जो उड़ीसा में, इसी वक्त अपने सामर्थ्य हाथ को लगाइए, वो उनकी मम्मी बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ हो, सारी बीमारी दुर्बलता कमजोरी चक्कर के सामान नष्ट और वो चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसे पवित्र आत्मा उनको छुए और वो चंगी हो, पवित्र आत्मा उनको छुए और वो चंगी हो, पवित्र आत्मा उनको छुए चंगी हो, बहन के लिए भी प्रार्थना है। बहन परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरे, फायर नेम ऑफ जीसस, हरी बीमारी दुर्बलता कमजोरी नष्ट हो, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ठीक है बहन? जी जी भैया, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, तो ओम मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं ना, पैसा उसके हाथ में रहता ही नहीं है, पैसा नाम का चीज ही नहीं रहता। रिक्वेस्ट आप अपनी रिक्वेस्ट को डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे ना। नेक्स्ट, हेलो हेलो, हाँ जी भैया कहाँ से बात कर रहे हैं? जेम्स की सर, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। लखनऊ से बात कर रहे हैं, बताइए भैया क्या प्रार्थना करें आपके लिए? जी ब्रदर प्रार्थना करवाना था, अपना कुछ बिजनेस है तो कुछ भी रन नहीं कर पाता है, बिजनेस रन करें। एज है और लगभग क्या बोलते हैं 15-16 साल से मैं जॉब और बिजनेस, लेकिन कुछ भी रन नहीं करता, अभी लगभग 32 ठीक है पर मैं 32-33 लाख का, और कुछ भी काम चलता नहीं है, तो थोड़ा उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। पूरी बिक्री हुई है मेरी। पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, भाई के बिजनेस पर तेरी आशीष और व्यवस्था, 28:8 के अनुसार आपने कहा जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा, सिवक भाई के बिजनेस पर आए हुए हर एक श्राप और बंधन को तोड़ता और आज्ञा देता हूं, बिजनेस को गड़बड़ करने वाली हर एक अंधकार की सामर्थ यीशु के नाम में टूटे, यीशु के नाम में जाए। भाई आपका बिजनेस अभी ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में, आपका बिजनेस रन करने लगे यीशु मसीह के नाम में, अकाउंट बटवे जेबों में फाइनेंस मिरेकल हो, आप रिसीव करें परमेश्वर की आशीष को इन द नेम ऑफ जीसस। मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर की अलौकिक आशीष को भाई आपके बिजनेस पर, आपका बिजनेस फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन ब्रदर, आमीन 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 आमीन। भैया ब्रॉडकास्ट को शेयर करें जाकर, अपनी टेस्टिमनी को दीजिए। नेक्स्ट, हेलो, जिन लोगों का फोन वेटिंग में आने के बाद कट रहा है, जिन लोगों का फोन वेटिंग में आने के बाद कट रहा है, वो निराश मत होइए, आप फोन कॉल्स को लगातार बार बार करती रहिए, वेटिंग कॉल में आने के बाद जैसे फ्री होगा आपका कॉल लग जाएगा, ठीक है, लगातार करते रहिए। हेलो हेलो, हाँ जी मैं आशीष बोल रहा हूँ सागर से। आशीष सागर से बोलिए आशीष भाई। मुझे थोड़ी फिशर की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत पेन होता है काफी समय से, अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी, हो रहा है?
हाँ मतलब कंटिन्यू पेन ही रहता है वो। अभी आप महसूस कर रहे हैं पेन? जी। आंखें बंद कीजिए। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त भाई आशीष को आपका आत्मा छुए, इस पर श्राप और बंधन को तोड़कर मैं आशीष देता हूं। हर एक फिशर की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम निकल बाहर। फिशर में दर्द पैदा करने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम दूर हो। प्रभु यीशु आप इस संसार में इसलिए आए कि शैतान के कार्य को नष्ट करें। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सामर्थ्य अधिकार दिया कि जाएं और बीमारों को चंगा करें, मरों को जिलाएं, कोड़ी को शुद्ध करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। भाई उसी सामर्थ्य और अधिकार से कहता हूं ये फिशर का रोग जड़ से सूखे और नष्ट हो। इसी वक्त फिशर की रोग में जो दर्द हो रहा है, दर्द की आत्मा नष्ट हो, ये दर्द भारीपन की आत्मा यीशु के नाम जाए, आप चंगे हो जाओ भाई यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको चंगा करता है इन जीसस माइटी नेम। चंगे हो जाओ, सारे दर्द से आजाद हो यीशु के नाम से, आमीन। भैया जी चेक करें, दर्द है आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा तो है, अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है। रिलीफ मिला है आपको? जी जी जी, पूरा दर्द जा रहा है आपका, आंखें बंद कीजिए। पिता मेरी प्रार्थना है सारा की सारा दर्द यीशु के नाम निकल बाहर। सारा की सारा दर्द यीशु के नाम निकल बाहर। सारा की सारा दर्द यीशु के नाम निकल बाहर। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। भाई चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। भाई चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। भाई चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारा दर्द जा रहा है जड़ से, समाप्त हो रहा है और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चेक कीजिए जी, कहीं दर्द है? आराम हो गया आपको? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। भाई ने अभी इसी वक्त फिशर की प्रॉब्लम से चंगाई को प्राप्त किया है। यदि आप भी कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। भाई प्लीज जाएं, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें और अपनी टेस्टिमनी दीजिए। ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए, मैं आपकी टेस्टिमनी देखना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। यदि आप भी ऐसी कोई बीमारी से पीड़ित हैं, प्लीज 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 प्लीज, यदि आप कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, आप कॉल कर सकते हैं। प्रेयर कॉल्स लाइन चालू है, प्रभु आपको चंगाई देगा। मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर पर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपने अब तक ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ इस ब्रॉडकास्ट को, इस ऑनलाइन सर्विस को आप शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चंगाई पाने के बाद अपनी गवाही को शेयर नहीं किया है, आप अपनी गवाही को शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसका अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में आए और आपको आशीषित करें। मेंटरशिप, प्रेयर कॉल्स, प्रेयर टावर मेंबरशिप चालू है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, यदि आप चाहते हैं लीडर शालम चर्च आप बोर्ड के साथ जुड़कर सेवकाई करना, यदि आप मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल मैसेंजर पर जाएं, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर लिखें, प्रभु आपको चंगाई छुटकर आशीष देगा, आमीन। हेलो 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 सर। हाँ जी बोलिए बहन। हाँ मैं आसम से बोल रही हूँ। मेरा सास जो है उसका सर टकरा रहने वाला और पाँव में दर्द है सर। आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आंखें बंद किया। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त बहन के सिर का दर्द, चक्कर, भारीपन, हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम में जाए। पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए बहन को। मैं आज्ञा देता हूं हर एक दर्द की आत्मा जीसस नेम जाए, दर्द और भारीपन की आत्मा जीसस नेम जाए। आप आजाद और चंगी हो जाओ खुदा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद और चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चेक करें बहन, चेक कीजिए, चेक कीजिए। पाँव में है बोला है। आंखें बंद करें, पाँव का दर्द भी जा रहा है। पाँव का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम में जाए। पाँव का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम में जाए। पाँव का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम में जाए। आपका पाँव चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। चल फिर करके देखिए, आपका पाँव चंगा हो रहा है। चलें यीशु मसीह के नाम से। बेन चल कर देखिए, चलो 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 चलो, इन द नेम ऑफ जीसस ठीक हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें। बहन ने अपनी चंगाई को प्राप्त किया है, बहन ने अपनी चंगाई को प्राप्त किया है, बहन ने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया है। जो लोग अपनी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, प्लीज आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। जो लोग चंगे हो रहे हैं, प्लीज अपने ब्रॉडकास्ट को शेयर करें और टेस्टमनी दीजिए, अपनी टेस्टमनी दीजिए, टेस्टमनी दीजिए, टेस्टमनी दीजिए, ब्रॉडकास्ट शेयर करें, टेस्टमनी दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। हेलो हेलो
हेलो जी ब्रदर, कहाँ से? जय मसीह की। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से। नोएडा से बोल रही हैं। बोलिए बहन, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? ये अपने हस्बैंड के लिए प्रे करवानी है मुझे। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा होता है घर में। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं और लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है घर पे। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। पिता मेरी प्रार्थना इस बहन के लिए, उनके पति के लिए। पिता परमेश्वर, दोनों की मैरिज लाइफ को रिस्टोर करता हूं। हर एक नशे की आत्मा बहन के पति के जीवन से यीशु के नाम दूर हो। मैं आपके पति के जीवन से हर एक नशे की सामर्थ को तोड़ता हूं, हर एक अंधकार के सामर्थ को तोड़ता हूं। प्रभु, इनका पति हर एक नशे की आत्मा से आजाद हो, हर एक लड़े झगड़े की आत्मा से आजाद हो। पिता, दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम, उनकी मैरिज लाइफ को मैं रिस्टोर करता हूं। इसी वक्त बहन आपके परिवार में प्रभु शांति दें, इसी वक्त प्रभु आपके परिवार में आनंद है, इसी वक्त मैं आपके पारिवारिक जीवन को आशीषित करता हूं। प्रभु, इसी वक्त बहन पर आप हाथ लगाइए, इन्हें आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू बहन। शेयर कीजिए, गवाही दीजिए, शेयर कीजिए, गवाही दीजिए। हेलो, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। हेलो, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। ज्यादा फोन आने की वजह से फोन हैंग हो रहा है। हेलो, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रामा मंडले वेले वेले बे रे बामा मामा मंडले वेले वेले कले लले बरिया नाना मंडले बे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। जो भाई ये फोन ट्राई करे प्लीज, उनसे मैं कहता हूँ काट कर फिर से लगाएं, क्योंकि फोन आपका उठ नहीं पा रहा है। यहाँ पर फोन आपका उठ नहीं रहा है, आपका फोन उठ नहीं रहा है, फिर से काट कर लगाइए फोन, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। रुकिए जरा, दो मिनट रुकिए। फोन उठ नहीं रहा है आपका, दो मिनट रुक कर लगाइए। पिता मेरी प्रार्थना इस फोन पर तेरा अनुग्रह पिता, सारी डिस्टर्बेंस स्पिरिट जाए, डिस्टर्बेंस स्पिरिट जाए, डिस्टर्बेंस स्पिरिट जाए, डिस्टर्ब करने वाला आत्मा जाए और आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने फिर से रिस्टार्ट किया है फोन को। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। फिर से रिस्टार्ट किया, आप फिर से कॉल कर सकते हैं। ज्यादा लाइन कॉल्स आने की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने फिर से रिस्टार्ट किया, फिर से आप फोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम गोला से बोल रहे हैं। गोला से बोलिए बहन, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? जी हमारे चार लड़कियाँ हैं, हमारे लड़कियों की शादी नहीं हो रही, कोई काम हमारे घर में नहीं बन रहा। ठीक है, प्रार्थना करते हैं आपकी लड़कियों के लिए ताकि उनकी शादी हो जाए। मैं घर में शांति भी नहीं बन, लड़ाई झगड़ा भी होता है। बहन प्रार्थना करते हैं ना। पिता मेरी प्रार्थना है बहन, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु, घर में सारे लड़े झगड़े समाप्त हो, घर में शांति हो। जो बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, मेरी प्रार्थना है उस घर से श्राप टूटे, बंधन टूटे। सारी बहनों को मैं आशीष देता हूं, एंटी मैरिज स्पिरिट, शादी में रुकावट डालने वाली गंदी आत्मा, यीशु के नाम दूर हो। शादी में रुकावट करने वाली गंदी आत्माएं तुम्हारे परिवार से यीशु के नाम दूर हो। शैतान के सारे कार्य नष्ट हो। बहन इसी वक्त मैं आपके परिवार को आशीष देता हूं, इसी वक्त बहन आपका परिवार आजाद हो और आशीषित हो, सबकी सब बेटियों की शादी हो और आप प्रभु की महिमा हो, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन विश्वास करें, जरूर आपकी बेटियों की शादी होगी। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको जाके कहिए आप कि मेरी गाय को डालिए और इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। ठीक है, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ज़्यादा वेटिंग में फ़ोन आने के कारण में फ़ोन हैंग कर जा रहा था, इसलिए कई सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स नहीं लग रहा है। आप चिंता नहीं करें, आप लोग ट्राई करते रहें,
लाइन बिजी होने के कारण शायद आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा हो, लेकिन आप निराश मत होइए, आप ट्राई करते रहिए, आपका फ़ोन कॉल्स उठेगा, आएगा, अभी मैं यहीं हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। थोड़ी देर में हम लोग फिनिश करने वाले हैं आज की इस सभा को, थोड़ी देर में हम लोग फिनिश करेंगे आज की सभा को, और जब तक यदि आप फ़ोन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ बहन बोलिए, प्रार्थना करवाना था। बताइए बहन, कहाँ से बोल रही हैं आप? बरघाट से। बरघाट कहाँ है ये? एमपी में। एमपी बालाघाट जी। बताइए क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? यूरिंग में जलन ही होता है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करते हैं आपके लिए। टाइल्स से भी है, टाइल्स की भी शिकायत। टाइफाइड नहीं, टाइल्स की भी शिकायत। आंखें बंद कीजिए बहन, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दोनों बातों के लिए। पिता मेरी प्रार्थना, बहन पर आए हुए हर एक श्राप बंधन को तोड़ता हूँ, शैतान के सारे कार्य को नष्ट करता हूँ। इसी वक्त प्रभु आपकी बेटी के शरीर से सारा पाइल्स इशू के लोगों के सामने से नष्ट हो, पाइल्स जड़ से नष्ट हो जाए और ये बहन चंगी हो यीशु मसीह के नाम है। सारा की सारा यूरिन इन्फेक्शन इशू के लोगों के सामने से नष्ट हो, बहन आप चंगी हो जाइए। इसी वक्त बहन के शरीर में चंगाई बहे, यूरिन इन्फेक्शन हमेशा के लिए समाप्त और नष्ट हो जाए, बहन चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त सारे दर्द और जलन से आजाद हो जाओ, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, दर्द जलन से आजाद हो, इन द नेम ऑफ जीसस मैं चंगाई छुटकर आशीष की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो हाँ बहन, देखिए कहीं दर्द और जलन तो नहीं है? नहीं ऐसी नहीं होती, बाथरूम जाओ जब जलन बढ़ती, खूब जलन होती। नहीं अभी कहीं दर्द तो नहीं है आपको? नहीं नहीं। प्रभु का धन्यवाद करें, आप जरूर गवाही दीजिए प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, प्रभु ने आपको चंगा किया है, गवाही को दीजिए, ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए, प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया, देखिए प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने लोगों को चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है और आशीष दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके आसपास कोई बीमार है, आपके घरों में कोई बीमारी और तकलीफ से हैं, वे लोग कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। कई सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, वेटिंग में आ रहे हैं, कई लोग निराश हो रहे हैं कि वेटिंग में हमारा कॉल आ रहा है और हम बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कॉल लगाते रहिए, आप कॉल लगाते रहेंगे, आपका कॉल एक न एक बार तो उठ ही जाएगा। और फिर भी यदि नहीं उठता है, यदि आपका कॉल नहीं उठ पाता है, आप मैसेज करें और आप प्रार्थना करा सकते हैं। जो लोग जुड़कर सेवकाई करना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं, जो लोग प्रेयर कॉल सेंटर के पार्टनर बनना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने प्रेयर कॉल्स पार्टनर, मेंबरशिप पार्टनर्स, चर्च पार्टनर्स की लाइन चालू कर रखी है। आप लोग अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर पर्सनल मैसेज कर दीजिए, जिससे हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें, जरूरी उससे संबंधित जरूरी जुड़ी हुई बातों को कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल बात करना चाहते हैं, पर्सनल प्रेयर कराना चाहते हैं, या कोई अलग दूसरा विषय है आपके पास में, तो आप लोग प्रेयर कॉल्स सेंटर के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस ब्रॉडकास्ट के लिए कि आप सब लोग इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े रहे, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी लोगों को चंगाइयाँ दिया है, छुटकारा दिया, आशीष दिया है। अगली जो ऑनलाइन प्रेयर कॉल सर्विस जो होगी वो संडे को होगी, संडे को ठीक 2 बजे हम लोग चालू करेंगे। सब लोग टाइम को नोट डाउन कर लें, जितने लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं टाइम को नोट डाउन कर लीजिए। संडे सर्विस, संडे ऑनलाइन सर्विस दोपहर को 2 बजे हम शुरू करेंगे, और संडे ऑनलाइन सर्विस के बाद में फिर ऑनलाइन कॉलिंग के द्वारा हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। संडे सर्विस का टाइम 2 बजे का रखा है, 2 बजे का सर्विस हमारी जयशलम शपशप बोर्ड में 2 बजे की सर्विस होती है। संडे की सर्विस 2 बजे हम शुरू करेंगे, और उसके माध्यम से हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, वचन शेयर होगा, प्रार्थनाएँ आप सब लोगों के लिए की जाएगी। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हों, प्रेयर कॉल सेंटर नंबर है आपके पास में, यदि आपको कभी भी किसी वक्त भी प्रार्थना की ज़रूरत है, तो हमारे प्रेयर वॉरियर्स, परमेश्वर के प्रार्थना योद्धा, जो लोग रात दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं,
वे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए आपको चिंता और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि अभी आपका कॉल नहीं उठ पा रहा है, लाइन बिजी आ रही है, तो आप बाद में भी प्रेयर कॉल सेंटर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। आखिरी और अंतिम ज़रूरी सूचना यह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी गवाही को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यदि आप पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आप मेंशन कीजिए। मेंबरशिप लेना चाहते हैं और मैं रहूँगा उस मेंटरशिप में आप लोगों के साथ में आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक प्रभु आपको आशीषित करें, फलवंत करें, मेरी प्रार्थना है। सब ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता मेरी प्रार्थना है, जितने लोग ऑनलाइन होकर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु सब लोग बने रहे, मेरी प्रार्थना है ये बुद्धि ज्ञान समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण फले फूले और आशीष जिन बेता इनकी जिंदगी से हर एक दुख टेंशन तकलीफ समस्या जाए। पिता तेरा आत्मा इनको छुए और आशीषित करें। जितने लोग बने हैं पिता, सब लोग तेरी बुद्धि ज्ञान समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा आशीष भरे जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको आशीष दे। प्रभु प्रभु के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताइए। कम से कम 8 घंटा आपको प्रभु के साथ समय बिताना है, कम से कम आठ घंटा आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हेलो, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु में बने रहना है। हेलो, हाँ भाई कौन? हाँ सर, जय यीशु। जय यीशु की। मैं रंजी से बोल रहा हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट से। सागर से बात करें, बताएं भाई क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? जी मेरे क्या है, गर्दन की नस वगैरह दर्द होती रहती है। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, भाई की गर्दन का दर्द यीशु के अंदर हो, भाई की गर्दन का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो, आपकी गर्दन चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त सारा गर्दन का दर्द और भारीपन जा रहा है, गर्दन का दर्द और भारीपन जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी गर्दन पर परमेश्वर का हाथ आता है भाई, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे, आपकी गर्दन बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ और प्रभु की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चेक करें भैया। जी फादर, है आराम है। आराम हो गया, देखो प्रभु का धन्यवाद करो। लाइन कटते कटते भी सुबह शाम करते हैं हमेशा, कोई भी काम करने से पहले हम धन्यवाद करते हैं। अभी आपने चंगाई को पाया है। जी फादर जी, पाया है। फादर जी एक बात और, एक समस्या है। सुनिए पहले मेरी बात जी। आप अभी अपनी गवाही को देना है और इस लाइन को शेयर करना है, ठीक है? जी भाई। हाँ। जी फादर। हाँ, क्या समस्या है आपकी? दूसरे फोन भी आ रहे, बताएं। फादर जी, हम ये बोल रहे हैं कि हम भी कॉन्वेंट स्कूल में हैं, लाइब्रेरियन सिस्टर लोगों की, ईसाई वाले, और हमारा जो है शादी नहीं हो रही है, और रिश्ते आते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कैंसिल हो जाती है। भैया मेरे मैसेंजर पर आप मैसेज करें, ठीक है? जी, मैसेंजर पर किस नाम से? ये भैया जो लाइन है ना, इसी नाम से, रोहित मसीह, जो आप जिस लाइन को आप देख रहे हो ना, शेयर कर रहे हो ना अभी, जी फादर, जहाँ से चालू हुआ है ना, उसी पर आप जाएं मैसेंजर में, वहाँ मैसेज करें आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट, ठीक है? जी फादर, जरूर करेंगे। अभी कर अभी आप गवाही शेयर कीजिए, ठीक है? ओके जी फादर, जय यीशु। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद हो। फोन कटते कटते लाइन को हम मैसेज को समाप्त करते करते भी एक भाई ने परमेश्वर से अपनी चंगाई को प्राप्त किया है, और आप भी अपनी चंगाई और आशीष को पा सकते हैं। अभी और भी वेटिंग्स कॉल आ रहे हैं, है ना, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती, प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको फलवंत करेगा, आपको जयवंत करेगा, आपको ऊँचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। तो प्रभु के साथ बने रहिए। आखिरी संदेश देना चाहूँगा मैं, कम से कम 8 घंटे प्रभु के साथ बिताइए आप। 8 घंटे आपको प्रभु के साथ बिताने हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आप अभी घर पर हैं, अभी आपके पास कोई और काम नहीं है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सोशल डिस्टेंसिंग का एक और मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सोशल नेटवर्किंग से भी डिस्टेंस बनाइए आप, और प्रभु से डिस्टेंस कम कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस सोशल नेटवर्किंग डिस्टेंसिंग भी दोनों बनाकर रखिए। 8 घंटे तो आपको प्रभु के साथ बिताना ही है, 8 घंटे, याद रखना मेरी बात को। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर को आप बहुत ज़्यादा जान पाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा समय प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। तो जितने लोग मेरे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, चर्च लीडर्स लोग, चर्च मेंबर्स, मेरा निवेदन है आप लोगों से, 8 घंटे आपको प्रभु के साथ रहना ही है, कोई भी बहाना आप नहीं बना सकते। 8 घंटे मतलब 8 घंटे आपको मैच करना है
दो दो करके चार बार चले जाइए, तीन तीन करके दो बार, एक बार दो बार, जैसा भी आप समय मैच कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में से 8 घंटे आपको परमेश्वर के साथ रहना ही है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। 8 घंटे मतलब 8 घंटे, इसका मतलब पर्सनल प्रभु के साथ रहना है आपको, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दें, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।